चलो जाओ देखो लिविंग, ये आज रिपोर्टर लिविंग कल सर्च करने को दी थी, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 डेंजरस ईयर है अभी 2022, इसे मैंने बहुत कुछ सीखा। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2022 है ना, मैंने पहली बात तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट आया, पहली बात है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट की जो शुरुआत हुई थी ना, शुरुआत बताओ कहाँ से हुई थी इसकी, कब से हुई थी शुरुआत इसकी, इसका जो आधार वर्ष, इस रिपोर्ट का जो आधार वर्ष है ना, आधार वर्ष का मतलब कंपेयर कब से करी जा, 1970 इसका आधार वर्ष 1970, ये भी सवाल पूछा जा सके। दूसरे इसके बारे में, यह द्विवार्षिक रिपोर्ट है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, सुन लो द्विवार्षिक रिपोर्ट है, सवाल कभी पूछा जा सके, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। और क्या बारे और क्या फैक्टर है देखना, मैंने तुम बताया था WWF वर्ल्ड वाइड फॉर फंड फॉर नेचर, ये इसका नाम है पूरा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर प्लस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ लंदन। स्कूल है मस्त स्कूल एकदम, समझ बात यह, हमारे मंत्री को बच्चे यहीं पढ़ जाएगा। उसके बाद आगे चलो, ये दो संस्थाएं हैं, तो जो बच्चा नहीं पढ़ गया ना WWF के बारे में पढ़ने को जाता, WWF के बारे में यही लिख रहा हूँ साइड में, समझ बात है, जिन्हें सर्च नहीं करा तो लिख दो, बताया क्या क्या बताया था इसके बारे में, बताओ क्या क्या बताया था इसके बारे में, इसका इधर WWF का पूरा नाम बताओ, WWF का वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, ये नाम है इसका, समझ में आया बात है, क्या नाम है हिंदी में, वैश्विक स्तर पर वन एवं प्रकृति का संरक्षण, वन्य एवं प्रकृति, वन्य जीव एवं प्रकृति कोष, क्या पता कर सर पता क्या हिंदी में, विश्व वन्य जीव कोष था आवास, विश्व देखा पढ़ने का फायदा हो, विश्व वन्य जीव कोष, इसलिए किसी चीज को बेकार नहीं समझना चाहिए, है नहीं, नाली का पानी प्यास से नहीं बुझा सकता, आग तो बुझाई सको, अच्छा अब बताइए क्या बोलने वाला, तो उसके बाद सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से, अब इसकी पर लेक्चर दूंगा पूरा। तो विश्व वन्य जीव कोष है ना, ये फंड बनाया गया, ठीक, तो सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, अब ये एस्टैब्लिश किया गया था कब, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी 1961 में, ये सवाल कभी पूछा जा सके, और जब भी यूपीएससी सन देगा ना गलती देगा, ये बात हमेशा याद रखनी, इसलिए सन याद नहीं करने, क्योंकि यूपीएससी जितने भी सन देगा गलती देगा, इसलिए सन क्या नहीं करने, याद नहीं करने, हेडक्वार्टर देगा ना अगर पूछेगा ना यूपीएससी ने कहेगा ना वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसका जो हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, यहाँ से वहां से, तो देगा गलती देगा, इसलिए हेडक्वार्टर भी याद नहीं करने, लेकिन लिख जरूर लेने, समझ बात पर लग गया, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव जरूर याद करना, ऑब्जेक्टिव उसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद उसका हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ से, इसका हेडक्वार्टर बताओ कहाँ से, स्विट्जरलैंड, अधिकांश चीजों का यहीं से स्विट्जरलैंड, जिनेवा, ग्लेंड के अंदर, स्विट्जरलैंड में नहीं आएगा, स्थान का नाम है जहां जहां इसका जगह, जो लोकल लोकल स्थान उसका नाम है ग्लेंड, ऐसा ही लगे जब पढ़ते नहीं, जब कई साल बाद को पिठा बोल दो। अगला पॉइंट, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव बताओ इसका, क्या पर्यावरण का क्षरण होने से रोकना, और अगर जैव विविधता, जब तो यहां इसकी बात हो रही, जैव विविधता के खतरों को रोकना, अब मुझे बता दो इस समय कहीं लिख सकोगा, मेंस में इस मतलब में मेंस में क्या लिख सकोगे, उद्देश्य लिख सकोगे, मुटरी को भी समझ में आएगा, उद्देश्य लिख सकोगे, सोच सकते हो, ये पहले संधि भी लिखा थी, हेडक्वार्टर भी लिखा थी, समझ में आएगा, इसकी फुल फॉर्म भी लिखा थी, तो विश्व वन्य जीव को जो क्वेश्चन है लिखने का मौका मिला ना, तो उद्देश्य लिख सको, याद आया तो,
सही बात है, अगर तुमने अपनी कॉपी का बहुत बेहतरीन तरीके से रट्टा मार रखा ना, याद आ गया ही आगा, सही बात, याद आ गया ही आगा, तो कहीं भी मिलने लिखने का मौका मिला ना सुबह सर, यूनिट या ये यूनिट है ना या मेंस की है, इस तगले वाली भी मेंस की है, और केवल चार ही क्वेश्चन आने, चार क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, और दिमाग में सेट कर लो जे विविधता पर कुछ भी आया ना मैं अपने नोट्स से बाहर नहीं जाऊंगा, जाऊंगी भाड़ में गया ऐसा, जब उसके खतरे के बारे में पूछेगा ना नष्ट हिप्पो ही लिखना, चाहे कुछ हो जाए, संरक्षण क्यों जाना चाहिए वो लिखना जो कॉपी में बाहर लिखती नहीं, ना मेरे पास याद है होता ना मेरे याद है, बात खत्म, सही बात है। पीटी में क्या काम का, इस कॉपी से नहीं आ रहा तो फिर कभी नहीं आने का, फिर एग्जाम में मेरा काम का नहीं है, छोड़ दो, समझ में आया बात या। लेकिन ऐसा कॉपी ऐसे खोल लेना कुछ भी सुन लो, कहीं से भी कॉपी ऐसे खोल ली कुछ भी सुन लो, और समझ कटिंग को करना, या लाइन कभी नहीं आनी पेपर में, या लाइन भी नहीं आनी, लाइन नहीं आनी, या आ गई और या मेंस में आ गई, पीटी में काम आ गई, कॉन्फिडेंस तैयार, बस समझ में आई बात है। ठीक चलो, यहाँ तक इसके बारे में बताया था मैंने तुम, जियोलॉजिकल सर्वे उल्लंघन के बारे में सर्च मत करना, स्कूल एक प्रकार का, दोनों मिलकर काम करते हैं और लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी करते हैं, द्विवार्षिक रिपोर्ट है, इस बार आई 2022 में, अगली बार जो 2024 है ना, 2024 उसमें जाएगी रिपोर्ट है। तो जिस बच्चे को 2024 में पेपर देना होगा और मेंस लिखना होगा, तो मेंस में पहले पहले सेप्टेम्बर में हो, तो सेप्टेम्बर से पहले रिपोर्ट आएगी ना, तो जरूर मेंस के बारे में तो ये रिपोर्ट पढ़ कर जाऊंगे, उसके 2-3 पॉइंट लिखने का मौका मिल जाएगा। अब जब भी रिपोर्ट आएगी तुम अपने आप से अपडेट कर लोगे कि हमने पढ़ रखी है, या हमने पढ़ रखी है, और भाई जी ने पढ़ा भी रखी है इन्वायरमेंट में, अपडेट ही से वही करना जाएगा। और इसमें तो पूरी मत यही चीज काम की, पढ़ने से पहले चीजों को सोचना, इसे लिख ही कहाँ भविष्य में, उस पेपर की तैयार करो, लिख सक इतना याद रख सक, इतना कंटेंट याद रहेगा, ये किसी काम का भी है नहीं है, है ही नहीं, सब कुछ तो कभी पेपर में नहीं आ सकता, पेपर में तो 100 ही क्वेश्चन आने जिसकी तुम तैयारी कर रहे, समझ में बात क्या। और उसमें से इन्वायरमेंट के 25 क्वेश्चन मान लो, इन्वायरमेंट की कॉपी से कुछ भी बाहर नहीं जाने का, 20 क्वेश्चन के आसपास इसमें बताए जाएंगे, 5 क्वेश्चन बाहर से सबके हर पेपर में बताएंगे, उसके बाद 10-15 के 15-20 क्वेश्चन इस बार ही कम रहा है इकोनॉमिक्स का, 15-20 क्वेश्चन इसके इकोनॉमिक्स के आएंगे, और पॉलिटिक्स के हर बार 10-12-15 यही एवरेज रहा, इतने कर लो काम खत्म, 8-10-15 क्वेश्चन हिस्ट्री का वो पढ़ लो, आसान सब्जेक्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये 4 सब्जेक्ट है बस, खेल खत्म, क्यों रोना, समझ में आया बात है, कभी तो पक्का होगा ही, वही बात है, कभी तो खुदा जागेगा ही, जागेगा। चलो अब लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो आई 2022 की है, इसमें क्या क्या बताया गया, इसके अंदर कौन कौन से तथ्य सामने आए, अब जो तथ्य क्या है, तथ्य देखो क्या क्या है इसके अंदर, कौन कौन से तथ्य सामने आए जो तुम्हें याद रखने हैं, मेरे हिसाब से जो तुम्हें याद रखने हैं इसके अंदर से, और जो तुम लिख भी सकते हो। अब भारत सरकार है, जो भारत सरकार के अंदर ना जो मोदी जी थे ना 2026 में जो कोप सम्मेलन हुआ था, कोप सम्मेलन हो COP मतलब समझ लो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये सम्मेलन हुआ था 2021 में, इसलिए जोन से सर में हो 21वां हुआ तो 21 का नाम दे देंगे, और ये होना था ग्लासगो में, कहाँ से ग्लासगो स्थान है क्यों, सही बात है, कहाँ पढ़ा पता किसी को ग्लासगो कहाँ पढ़ा, कहाँ से, ये यूरोप के अंदर पढ़ा, यूरोप में मैंने देखा, समझ आई बात है, वहीं आगा सारा का सारा, तो यूरोप के अंदर है ना ये एक सम्मेलन हुआ, पूरी दुनिया के लोग बैठे आए और बड़े बड़े वादे करके जाओ, वहाँ से हम अपने यहाँ जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, हमारे ग्लेशियर ना पिघला और समुद्र का जलस्तर ना बढ़ा, बड़े बड़े लंबे लंबे वादे खींच कर जाओ वहाँ जाए, इन्होंने वादे करके चले गए, मोदी जी भी गए वहाँ से, पता क्या गए भाषण देकर, मित्रों 2070 तक नेट जीरो करेंगे, क्या कहे थे 2070 तक नेट जीरो करेंगे, फिर से घटाया ने उन्होंने बाद में जाकर, फिर क्या करते 2050 तक करें ना, दुनिया के लोग कह रहे हैं मूर्ख गौतम ऐसे बच, दुनिया तेजी के साथ जोड़ रही, थोड़ा भारत के लोगों की शर्म आई, उन्होंने 5 गुड इवनिंग लगी पीस, भारत को दूसरी भाषा में कहा जाए भारत पीस प्रधान देश है, तो ग्लासगो में मदद कर गए 5 हमने वादे कर गए लंबे लंबे, पहला वादा उसमें तो एक यही था कि हम ना जो कार्बन उत्सर्जित हो रहा उसका 40 अभी 21 की बात बता रहा हूँ मैं, 22 में हम कुछ और वादे कर गए, जो कोप 27 हुआ वो शर्म अल शेख में हुआ, जो कोप 27 ये सारे सवाल पूछे जा छोटी छोटी परीक्षा में ही पूछ लो, शर्म अल शेख वो कहाँ पड़ा, अफ्रीका के अंदर मिस्र के अंदर, शर्म अल शेख जो कोप 27 इसकी बात नहीं बता रहा मैं, इसकी बात बता रहा हूँ कोप 26-21 की, क्योंकि कोप 26-21 में जो वादा करा ना उसमें एक वादा ये था, 5 वादे करे थे हमने, उसमें ना 5 की 5 को हमने अमृत काल के नाम से भी कहा ना, पंचामृत के नाम से कहा, पंचामृत 5 वादे जो कर गए पंचामृत के नाम से कहा ना, उसमें से एक वादा ये होता कि हम अपने यहाँ ना कार्बन का जो उत्सर्जन है वो 2070 तक कम कर लेंगे, बाद में जैसे 2050 तक कम करने को कहा गया, भाई 2050 तक तुम कार्बन का उत्सर्जन कम करना क्यों करना चाह रहे हैं इस तरह, ऐसा इसलिए करना चाह रहे ताकि पृथ्वी का तापमान ना बढ़ा, और पृथ्वी के तापमान को ना पृथ्वी के तापमान को 2050 तक पृथ्वी के तापमान को 2070 तक हमने वादा कर दिया, 2070 तक वादा
नेट जीरो करना कार्बन का उत्सर्जन, जितना भी कार्बन निकाल रहे हैं ना वो सारा का सारा पेड़ खपा लगे आराम से, क्योंकि जो पेड़ हो ना, पेड़ पौधे हो और महासागर हो, वे कार्बन का अवशोषण करते हैं बड़ी मात्रा में। ऐसा काम हम अपने यहाँ कर लेंगे, इस तरह का मॉडल 2070 तक अपना लेंगे। लेकिन 2050 तक हमने एक बात कर रखा था कि पृथ्वी का तापमान ना 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाना चाहिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ना ज्यादा नहीं बढ़ने देने के। लेकिन जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 आई, पिछले साल की रिपोर्ट, किया इसमें पता क्या कहा कि तुम 2050 तक पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से बचा लोगे, लेकिन यहाँ तो रिपोर्ट यू कह रही 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका। समझे क्या कहने की कोशिश करी जा रही? तो इसके बारे में कहा लिखा जाएगा? अगर तुम बहुत मामला बहुत संवेदनशील बताना हो तुम, और जो तुम्हारा परीक्षक कॉपी चेक कर रहा, तो तुम लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 का हवाला देते ऐसे बोलोगे हाल ही में, अभी उत्तर लिखोगे, नहीं तो अगली बार लिखोगे उत्तर लिखोगे, या ऐसे लिखोगे हाल ही में छोड़ दो। अगर तुम 2024 वाली रिपोर्ट काउंट करोगे, तब तक यह रिपोर्ट नहीं आई, तो 2022 को लेकर चलोगे, अगर 2022 की भी आएगी तो उसे भी छोड़ दोगे, क्योंकि इसमें जो रिपोर्ट में अगली बार कुछ और लिखा होगा। तो यहाँ तक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा बना सको, सही बात। अगर तुम अपना बहुत उसका जो तुम्हारी परीक्षक कॉपी चेक करा उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, तो ऐसे लिखोगे हाल ही में, और ये छोड़ दे हाल ही में काट, ऐसे लिख दोगे लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पृथ्वी का तापमान, पृथ्वी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो चुकी है। आया समझो, हम तो रोक रहे थे 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होने से, कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देने के, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड पृथ्वी गर्म हो चुकी है। ये तो देखो इतनी सारी गर्मी हो रही है, फिर जब गर्म होगी पृथ्वी तो ग्लेशियर पिघलने का खतरा, फिर समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा, वही जो मैगजीन में, और वो बढ़ भी चुका 4.5 के आसपास बढ़ चुका, ग्लोबल जो सी लेवल राइजिंग जिसे बोलते हैं उसकी रिपोर्ट आई थी वो भी दिखा रखा। अब फिर जो तमाम प्रकार के खतरे होंगे उन्हें तुम भली भांति प्रकार से जानते हो, उसके तुम पहले से घरीभूत हो, क्यों जी बात सही गलत है ये बात। तो इसका मतलब लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 की कहती है कि पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका, मैं लिख दूं यहाँ से, ठीक। पहला पॉइंट यही काम का हमारे, इसमें तो पॉइंट क्यों मेंस में काम का, फिर बने आने का समय तो कुछ भी, डोंट वरी। 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ गया, बढ़ चुका है, ये बात बताओ समझ में, किसका तापमान बढ़ चुका है? मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ इंट्रोडक्शन में, कहाँ आराम से घुसाया जा सके इस रिपोर्ट को। और एक महीने तुम प्रजातियों के बारे में, जैव विविधता के बारे में वो 2020 की रिपोर्ट बताई थी, मैंने तुम बताया था प्रजाति ना 68% के आसपास पूरी तरह विलुप्त हो चुकी 2070 के मुकाबले। तो ये इंट्रोडक्शन में बहुत आराम से डाला जा सके 1970 के मुकाबले, 2070 कहाँ आ गई यार, ये बात बताओ तो समझ में ही नहीं आई। और रिपोर्ट क्या कह रही, और भी कुछ कह रही रिपोर्ट, देखो क्या कह रही है रिपोर्ट। रिपोर्ट यूं कह रही कि अफ्रीका के अंदर ना जो पापा न्यू गिनी तट है वहां एक अलग प्रकार का जीव पाया जाता है, यह बात तुम्हारे याद लाने की, वो जीव ना अब समाप्त हो चुका, दिखाई नहीं देता वो जीव, उसका नाम भी बहुत बड़ा सा, सही बात है। तो मेरे याद नहीं रहा, मेरे याद तो नहीं है जीव का नाम, लेकिन मैं मुझे मेंस में लिखना और अपनी बात को मजबूत बनाना। अब देखो मैं कितना जबरदस्त तरीके से गेम खेलता हूँ उसके साथ मेंस में, ऐसे लिखूंगा मैं, जब इतना तापमान गर्म हो, पृथ्वी इतनी गर्म हो चुकी तो समुद्र का जो तापमान है ना वो भी बढ़ रहा, अब कुछ वहां जीव थे ना वे ज्यादा तापमान झेल नहीं सकते तो वे गायब हो चुके। तो अफ्रीका के तट पर एक विशेष प्रकार, अफ्रीका के तट पर पाई जाने वाली कई प्रकार की प्रजातियां नष्ट हो चुकी है, तो कई प्रकार की प्रजातियां नष्ट हो चुके अफ्रीका के तट पर, मुझे उस प्रजाति का नाम नहीं पता, लेकिन मुझे अपना मेंस का उत्तर बहुत अच्छा बनाना, सही बात है। तो अफ्रीका के तट पर पाई जाने वाली कई प्रकार की प्रजातियां नष्ट, बात खत्म, सही बात है। दूसरा पॉइंट ये लिखूंगा, मैं अफ्रीका, अब जब बताऊ प्रजातियां नष्ट होगी तो खतरा किसे पहुंच रहा है, जैव विविधता को, और हम पढ़ी जैव विविधता है, अपनी बात वेरीफाई भी होगी हमारी, सही बात है। जब जैव विविधता की बात आ जाएगी ना तो जीव की बात आ गई, जंतुओं की बात आ गई, पौधों की बात आ गई, समझ गए बात या? उसके बाद दूसरे नंबर पर ये बताओ महाराज, अफ्रीका ना, अफ्रीका के तट के गिनी तट बोलेंगे, गिनी तट पर पाई जाने वाली कई प्रकार की प्रजातियां नष्ट, तो उत्तर में लिख सकते, नहीं लिख सकते बात, कोई दिक्कत है कहां तक? और देखो ये यू पॉइंट में कहां लिख सकता हूं, कहीं मुझे पता लग चुका, तुम्हें पता लगा तुम जीव विविधता के बारे में लिखने बैठे हैं, और तुम्हें पता लग रहा किस तो क्या नुकसान हो रहे, नुकसान में या नहीं, और क्या लिखोगे, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक अफ्रीका के न्यू गिनी तट पर, अफ्रीका के गिनी तट पर कई प्रकार की प्रजातियां नष्ट हो चुकी है, काम खत्म। और इतना भी नहीं लिख सकते, सार में नहीं लिख सकते,
लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2000 ऐसा करके तीर का चिन्ह खींचा, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक एक तो तीर का चिन्ह नीचे खींचा, अफ्रीका के न्यूगिनी तट पर प्रजातियां नष्ट, इतना ही काम खत्म। तुम्हें बताना कि तुम्हें यह बात पता, बस तुम्हारे पास, तुम हिंदी मीडियम के, तुम्हारे पास लिखने का टाइम ही नहीं है आज, समझ, लेकिन पता दे तुम्हें, उसकी नजर पड़नी चाहिए इस चीज पर। इसलिए मैं कहता हूं कि अपने उत्तर लिखते वक्त उसे क्या अपनी बात को बहुत वेरीफाई कर दो, और वेरीफाई हो में से एग्जांपल के साथ, समझ बात क्या। और सच में ही अफ्रीका के पास जो प्रजातियां पाई जाती थी वे अब दिखाई देनी बंद होगी, समझ बात क्या, क्यों, क्योंकि पृथ्वी गर्म हो चुकी है, कितनी, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पृथ्वी के तापमान को ना, ये हमारा लक्ष्य था कि हम दुनिया में, हमने वादा कर रखा था कि हम 2050 तक ना पृथ्वी को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा बढ़ने देने के। अरे 2050 तो बहुत दूर पड़ा हुआ, ये 2023 चल रहा है और पहले ही पृथ्वी के तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुकी, और वो तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड मेरे हिसाब से लगभग 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगी 2050 तक। 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने का मतलब समुद्र का लेवल इतना ऊपर भाग जाएगा, भाग जाएगा जो आसपास तटीय इलाके, जैसे मुंबई हुआ, बांग्लादेश का ढाका हुआ, चीन ने जो उसका शंघाई हुआ, ये ऐसे जो बहुत संवेदनशील शहर जो तट पर बसे हुए, बड़ी मात्रा में जिनकी करोड़ों करोड़ों की आबादी, समझ मत, ये खतरे में ये गए, समझ में बात किया, ठीक। चलो तीसरे नंबर का पॉइंट, ये रिपोर्ट में बात किया, तीसरे नंबर बताओ, रिपोर्ट कहती है क्योंकि 10 मिलियन हेक्टेयर, 10 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा जंगल काटे जा रहे, ये रिपोर्ट कहती है कि 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल ना पूरी दुनिया में खत्म कर दिए गए। अब बताओ जंगलों को नष्ट करने का मतलब पेड़ पौधों को नष्ट करना, और पेड़ पौधों को नष्ट करने का मतलब जैव विविधता को नुकसान पहुंचाना, बात समझ में बात, ये रिपोर्ट कहती है। अगर तुम्हें वनों के बारे में लिखना पॉइंट मिलेगा ना तो ये पॉइंट आराम से डाल लोगे तुम। लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल काटे जा रहे हैं। सारे पॉइंट हम नहीं याद रख सकते, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट जो बहुत मजबूत पॉइंट और रिपोर्ट वो बहुत दम हो, सही बात, रिपोर्ट बहुत दम हो और विश्वसनीय रिपोर्ट हो, पूरी दुनिया इसके रिपोर्ट पर विश्वास कर रहे, समझ बात क्या। तो इसका रिपोर्ट का नाम देखते हुए और दूसरा उस बात को बताते हुए आराम से कोड करोगे, कैसे लिखोगे पता लग गया ना, कैसे लिखोगे 10 मिलियन हेक्टर। नोट्स अपना ऐसे बनाकर, जब भी नोट्स बनाओ बहुत शॉर्टकट में नोट्स बनाना चाहिए, और उसको दिमाग में बैठे बैठे दोहरा लो कि लिखेंगे क्या हुआ, यहाँ वहाँ लिखोगे, यहाँ शॉर्टकट में शॉर्ट नोट्स इसे बोल दो, 10 मिलियन हेक्टर, 10 मिलियन जंगल समाप्त। अभी थोड़ा ही किसे तुम खड़े होकर कहीं बोलना स्टार्ट कर दिया और कहीं तुम भाषण दे रहे, सही बात है, तो भाषण देते ना तुम्हारे अंदर ना सार्वभौमिकता नहीं चाहिए, नॉलेज स्किल दिखना चाहिए तुम्हारा, बोलना चाहिए आप देखते ही होंगे जंगल काटे जा रहे हैं। अरे रिपोर्ट का हवाला देते बोलो ना, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 कहती है कि भारत के ना पूरी दुनिया के जंगल 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल काट दिए गए, समाप्त कर दिए गए। अब जो सुनने वाला उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सोर्स भी बताया ना उसका, और यही बात तो क्वेश्चन में कह रहा हूँ मैं तुम्हें कई साल तक, यही बात तो मैं क्वेश्चन में डालने कह रहा था, समझ में आया बात या, इतना सा मेहनत करना बस, और आगे सारा नहीं याद करना बिल्कुल भी, बार बार इसी पॉइंट को पढ़ना, कभी भी डाल दो तुम इस पॉइंट को, कभी भी आगे 2-3 साल तक काम का होगा तुम्हारे, जब भी मेंस का उत्तर लिखने बैठोगे, जब भी बेटा जब भी सवाल आया ना, नहीं और कुछ नहीं पढ़ना, इसमें सारा उत्तर लिख देना सोच सोच कर, बार बार पन्ने खोल ले, इसका होता है, इसका होता है, इसका होता है, समझ में आई बात, ठीक। लिखना जिस दिन सीख लिया ना, जिस दिन लिखना सीख लिया और विद इन टाइम में लिखना सीख दिया, याद रखना सही बात क्या, उस दिन ढोल न कटे तैयार कर लेना, जिस दिन लिखना सीख लिया और विद इन टाइम में लिखना सीख लिया, सही बात क्या, बुकिंग कर देना, सही बात क्या, बुकिंग कर देना, ढोल न काटोगी, जिस दिन लिखना सीख लिया विद इन टाइम में लिखना सीख दिया। और दूसरा अपने अंदर तो कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा, वो अब मेहनत करने के बाद, सही बात, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं एग्जाम को कभी क्लियर नहीं कर सकता, कभी मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, मैं सोचूं मैं क्या सोचूं यार मैं नहीं कर सकता ना, मैं दुनिया में मेरे कोई कर ही नहीं सकता, फिर ये किसी के लिए नहीं बना, अपने आप से फिर घृणा नहीं होगी क्या, क्या हम इतने कमजोर हो, इसी कौन सी हमने कौन सी चक्की काट रखा है, उन्होंने कौन सी चक्की काट रखा है, गलत बात है ना, जो सही बात क्या, नहीं तो फ्यूचर ही होने वाला, सही बात क्या, किसी घर में बर्तन साफ कर रहे होंगे बैठे हुए, ठीक, समझ में आया बात है, एक कर तुम्हारा बच्चा पढ़ा रहा होगा वहां से, समझ में आया, हाँ इसका बहुत फायदा हो, तैयारी करने का बहुत फायदा हो, एक बच्ची जो तैयारी कर रही होगी ना क्लास बैठ कर, वो पूरा समाज सोसाइटी सुधार देगी, वो जिस क्षेत्र में जागे ना यूपीएससी वाले कभी ऐसा कर लिया होता,
उसे बहुत सूक्ष्म नॉलेज हो, मान लो कल तुम्हारी कहीं शादी होगी ना जिस स्टेट में कहीं भी जाकर, तो तुम्हें बहुत गहरी समझ होगी, तो पता लगा बच्चों को छोटे मोहल्ले में तो डालने रहे अपने। एक तो तुम उस पूरे समाज को सुधार दोगे जिस क्षेत्र में तुम नवर रहोगी, एक तो तुम्हारे व्यवहार में बहुत विनम्रता आ जाती है तैयारी करने के दौरान, दूसरा तुम्हारी सोच कभी छोटी ही हो ही नहीं सकती। सही बात है, एक तो बच्चा वो 10 पन्ने पढ़ता सोच यार ये इतनी बड़ी किताब है मैं कैसे पढ़ूंगा, हिंदी के पर नोट्स ले जा पता नहीं कैसे पढ़ा गया, और तुम उसे देख हंसोगे बता क्या पढ़ रहा, सोच देख कितनी अव्वल सोच हो चुकी। ऐसे सोच बढ़ती है, इंसान जैसे सोच इन्वायरमेंट में रहा ना उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा उसके मस्तिष्क में। जैसे 10 दिन तुम लगातार ना किसी ऐसे लोगों के पास बैठ जाओ जिसका तो कोई दूर दूर से रिश्ता नाता नहीं है, तुम लगा यार मेरे बस की बात नहीं है यूपीएससी आपकी, बहुत बड़ी बात चीज है, तो ऐसा फील होगा तुम, ऐसा तुम्हें बताएंगे यार नौकरी, तुम लगा ऐसे लगा नौकरी बहुत बड़ी चीज है, ऐसा जिस दिन लगना स्टार्ट हो जाना इसका मतलब समझो मेहनत करनी है, उस दिन गई भैंस पानी में गई, लिखने से भाग गो ना, बहुत प्रमाणिकता लिखने में सारा एग्जाम ही पूरा लिखने का, खेल तो लिखने का पूरा पूरा, पता लग गया। इस तरह में पॉइंट इशारा करता रहूंगा तुम्हें, डेली का डेली सुनूंगा पूरी यूनिट का मैं, बैठ का सारा पॉइंट। 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं मेंस के लिए आज, एक तो जलवायु, एक तो जैव विविधता, अगले वाले चैप्टर का नाम है जलवायु परिवर्तन, एक तो इस चैप्टर का नाम जैव विविधता, अगले वाले का नाम जलवायु परिवर्तन, और सारा खेल खत्म, सारे नेशनल पार्क इसमें आ जाएंगे, सारी रामसर साइट इसमें आ जाएगी, सब टोटल पिछले साल का PYQ भी करवा दूंगा, PYQ एनालिसिस करवा दूंगा, इसका उत्तर मुझे नहीं पता, मैंने तुम्हारे सामने प्रश्न लगा दिया और तुम ना आते तो वो प्रश्न देखा नहीं, जाना नहीं पहचाने, फिर भी तुम करना सीखना, वो मेरे पास कलाकारी है, क्योंकि यूपीएससी ने जिस हिसाब से डिजाइन सेट करा, अब गिलहरी का सवाल बनाया उसने, गिलहरी के बारे में किसे पता, लेकिन मूर्ख वो जो सुबह सोच ही नहीं रहा हूँ यार मैंने गिलहरी के बारे में पढ़ा ही नहीं, कॉमन सेंस यूज करना और यूज करके उसका उत्तर निकल जाएगा। हाथी के बारे में कौन पढ़ेगा, मच्छर के बारे में सवाल दे रखा उन्होंने, किसी को कहा था कौन सी किताब में मच्छर के बारे में सवाल, लेकिन उसकी जो कलाकारी ना सवाल करने की, एक स्टेटमेंट पढ़ और दूसरा पेपर पढ़ हर सवाल के साथ खेलना सीखना, उत्तर उसमें दे रखा उसने। आज कहना कबीरदास का, कबीरदास जब हमने दोहे लिखा ना तुम्हें, मैं कह रहा मेरा प्रश्न तभी से पढ़ो, मेरा प्रश्न ही मेरा उत्तर, उसके दोहे पढ़ोगे अपना ही प्रश्न अपना ही उत्तर देता, ठीक। जब किसी का अच्छा समय हुआ ना तो उसकी बुरी चीज भी अच्छी लगने लगे स्टार्ट होगा, जब किसी बुरा समय हुआ ना हर अच्छी चीज उसकी बेकार हो जाएगी। कबीरदास ने इतनी गालियां दी पूरे समाज सोसाइटी को, और जो भी गालियां देता था ना वो अनपढ़ आदमी था, और लोग उठाते थे चुपचाप लिख लेते थे, और वही दोहा बन गया, वही दोहा बन गया। ऐसे समझ में कह रहे समाज को जो लिख रहे ना, कह रहे इन लेखक को क्या पता बेवकूफ, उसने तो पता जो लिख रहे लेखक उसकी बात से लिख रहा बेवकूफ, वो लोगों ने वही लिख दिया, वाह क्या लिखा कबीर ने, क्या लिखा गजब। कबीरदास के बारे में पढ़ोगे तो फैन हो जाओगे कबीरदास के, तुम इतने खतरनाक कवि रहे, और आज तक कभी स्कूल नहीं गए, चीजों को ऑब्जर्व करते थे बस, देखा कोई भी चीज देखी, कूलर देखा ना इसे पर करते थे जोड़ दिया उसने, और समाज से जोड़ दिया, इतना खतरनाक ऑब्जर्वेशन था उसका, समझ में आया बात है। इतनी सारी कविता लिख के, इतने सारे दोहे लिख के, याद करने पड़ेंगे दोहे तुम्हें सारे के सारे, माया मरी नमन मरी मरमर गए शरीर, आशा मरी ना तृष्णा मरी कह गए दास कबीर, क्या मतलब उसका। आज तुम्हारी इच्छा बस किसी तरह नंबर आ जा, सही बात है, और जिस दिन तुम चले जाओगे ना, भले तुम कितने लंबे बातें कर लो इंटरव्यू में जाकर, ईमानदारी के साथ काम करोगी इसीलिए बनना चाहती हूँ, वो तो सही पता, जो इंटरव्यू ले रहा उन्होंने क्या कर लिया, ये तो बात उसे पता है इंटरव्यू ले रहा क्या कर लिया, लंबे बातें सब खींच गए, ये करना चाहती हूँ उसके लिए, ये करना चाहती हूँ, उसके बाद में चलता जा रहा 100 करोड़ की फिरौती में पकड़ा जाएगा, समझ में बात है, फिर 50 उस बता 4-5 करोड़ रुपये से नेता को देगा, बात समझ में आई है, ठीक। टाइम इतना ही लगना, अभी समझ लो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने बैठ जाओ टाइम उतना ही जाएगा पूरा का पूरा, और जो कॉन्फिडेंस है ना वो घुस जाएगा धरातल में जाएगा जमीन में, ऐसा घट जाएगा साल कुछ है ही नहीं मेरे पास, इतना तैयारी करने के बाद हम तो वही खड़े जहाँ है थे, कुछ सीखा ही नहीं, समझ में आई बात यार। अब मैं किसी से बात करूँ ना यहाँ से, तो मुझे सब क्या यार किसी नौकरी की तैयारी कर लेनी चाहिए, अब मैं क्या समझा दूँ, समझ बात है। अब मेरे भाई भी आ रहे मेरे पास ही है सचिन, सचिन आस पास आ जाते तो यार पूरी तैयारी, मैंने कहा तू आज बैठ जा, अच्छा मैंने सिलेबस गिनवाना स्टार्ट करा ना सर, मैंने कहा ये देख पढ़ाया तू, मैंने कहा जिस दिन पढ़ा करो उस दिन पता लगेगा तुझे, उनके लिए नौकरी सब कुछ वो यही बात तुम्हारे घर वालों की, अब तुम्हें तो सिलेबस को बहुत गहराई था पता, तुम्हें कोई पकड़ के खींच खींच के कहेगा ना, कहेगा तुम सोचोगे यार मजा नहीं कुछ है मिसिंग,
तुम्हें ऐसा लगेगा एक बार तो तेरे बार नाप तो घटना होगी, एक बार तो यार मुझे ट्राई करना चाहिए था। सही बात है, क्या तुम मुझे एग्जाम बुला रहा था? नमस्ते, समझ में आया बात? तो एक बार पूरा तैयारी करेगा, पूरा जी तोड़कर, पूरी कष्ट टूट करके मेहनत करके एग्जाम देना, और सब कुछ पूरा करके, कुछ नहीं छोड़ दो बिल्कुल भी, हर चीज का नोट तुम्हारे पास तैयार हो। इस तरह की फाइल में हर नोट्स क्या दोनों जाना चाहिए, इस तरह की फाइल में, सही बात है, इस तरह की फाइल में सारा नोट्स सब्जेक्ट वाइज जीएस फर्स्ट का सारा नोट्स एक तरफ, सेकंड का एक तरफ, थर्ड का एक तरफ, फोर्थ का एक तरफ, रिवीजन के साथ, और सीसैट का सिलेबस का एक तरफ और ऑप्शनल का एक तरफ, सही बात है। और ये 4 महीने बाद 5 महीने बाद तुम्हारा पेपर, और तुम पन्ने पन्ने हटने पर लगे रात दिन, समझ नहीं बात है। और ये यहाँ पर रिजल्ट, और ये पेपर दिया, पेपर दे आज देगा, पेपर दे दिल्ली में जाकर पेपर दे रहे, उनकी छत्ते पे चढ़ेगा, देख में ही आई पेपर देने, सेंटर में यानी डालना, वहां जाओ दिल्ली सेंटर डालने, ऐसे बजब ठीक। और वहां था ना पेपर में बाहर निकल, रात दिन पढ़ के जा रहे, वहीं भी बैठ, बीच ब्रेक में ना पन्ने खोल खोल कभी पढ़ रहे फटाफट बैठ कर, जब पन्ने पढ़ रहे ना सब तो वहां मस्ती में आ रहे, नहीं तुम पन्ने पढ़ लेने में लगा हुआ ना, यू आगा यू आगा यू आगा, और तुम आया तुम्हारा सारा तुम्हारा पढ़ा हुआ आगा, 25 दिन बाद रिजल्ट, और तुम्हारी बाबा 25 दिन का खेल, 25 दिन सब तो तेज रिजल्ट निकाल रहा, ये पता क्या कह रहा है एग्जाम, हर साल आ रहा हूँ वैकेंसी के इंतजार मत कर, बिल्कुल तुम्हें तो यूनि की 4 साल बाद निकलेगी, 1 साल बाद निकलेगी, निकलेगी निकलेगी, हर साल आ रहा है, तेरे अंदर जज्बा होना चाहिए, आ जा तू मेरे पास, ये तो कह रहा नुगर आ जा तू, अब तो 6 महीने में 2 बार होकर रहेगा, 6 महीने में एक होगा और 6 महीने में एक होगा, और 6 महीने में सब खत्म कर देंगे, मेंस भी, फिर भी इंटरव्यू भी, रिजल्ट भी, अगर मोदी की सरकार आई ना अगले साल से, तो ये समझ जाओ 2 बार हो जाएगा 6 महीने में, समझ में ठीक। तो क्या सीखना, लिखना सीखना, समझ बात है, लिखना सीख गए सब कुछ सीख गए, टोपरों कॉपी साथ लेकर बैठो, ये सोचो करो 20 मिनट खा ली ना यार, किसी की टोपरी कॉपी देख लो खा ली यार, किसी का इंटरव्यू देख लो सुन लो, क्या क्या बता दो, जो इस हादसे जिस हादसे तुम गुजर रहे ना वो इस हादसे से पहले गुजर चुका, वो तुम्हारे काम का एक एक लाइन काम की, उन्होंने बोल लगा ना कि मैंने मैगजीन पढ़ी थी, सुनो क्या कह रहा है यार, मैं इतना समय पढ़ाई को देती थी यार, मैं तो 5 ही घंटे दे पाती थी, फिर अपने आप तक कंपेयर करके देखो क्या स्ट्रेटर्जी मैच हो रही है, फिर वो अपनी अपनी गाथा बताएगा, मेरा बैकग्राउंड कैसा था, फिर वो बताएगा कि मैं पढ़ने में इतना कमजोर था, ये सब चीजें इंसान को बल दे, समझ बात यार, अब सुना ही नहीं सर, इसकी फिर को सागर भाग गए, बीच गाना देखने में चले गए, फिर कुछ साल बाद यारा जो आवे याद यारा फलाना डीएम का मुकुड़ा सिकड़ा, ऐसे ऐसे गाने देख रहे बैठे, ये काम कैसे दौड़ाई, इन दौड़ाई मेन से दौड़ाई काम के आगे, और गुनगुनाते फिर बस आराम से शांति के साथ, अरे भाई इतने दिन में 2 फैक्ट गुनगुना ला, ये गुनगुना बैठ के एक दो 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 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ रहा, बढ़ चुका, कितने साल की बात है, 1 साल, 1 साल तो देखो पूरा लगा, तमीज तमीज रिविजन रट्टा मारने में 1 साल पूरा लगेगा, हर दिन ना बैठ कर, जब तुम्हारा सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, हर दिन बैठ कर टाइम टेबल ऐसे बनाएगा, तो आज इतना पूरा कंप्लीट कंप्लीट इतना डांस राइटिंग खट सिलेबस खत्म, पोलोटी ना लेकर बैठे पूरा एक हफ्ते, एक हफ्ते कुछ नहीं पढ़ना, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट, एक हफ्ते तक लगातार पोलोटी पोलोटी पढ़ते रहना सुबह से लेकर शाम तक, और पोलोटी की आंसर राइटिंग करते रहना, पढ़े पोलोटी की आंसर राइटिंग और मैगजीन के साथ अपडेट, अब बस हटा कर पोलोटी को हटा दी, 1 साल की 1 हफ्ते में मिटा दी आंसर राइटिंग के साथ, फिर अगले हफ्ते उस किसी उठाकर बैठे इकोनॉमिक्स को, एक हफ्ते साल को जितना भी आता ना अपडेट हो सर नोट्स तो तुम पहले बना रखे थे, उस फटाफट रिविजन मारने स्टार्ट कर दिए, आए पेपर नहीं चलो, अब फिर जो जिस दर्द तुम निखरोगे ना, जो निखरना हो ना, उस दिन हर रोज लोग तुम्हारी बात कर रहे होंगे, सबके जुबान पर ना तुम होंगे शाम के टाइम, जब लोग अपने घरों में बैठा ना और ग्रुप बना खाना खाओ, फलाने की लोडी ना एग्जाम निकाल जाए पता, ऐसे समझ में, फिर अपनी लोडी को गाली पड़ेगी पड़ोस वाली को, पता क्या कहेंगे, फिर फिर कहेंगे तुझे कहा था पढ़ लेती तू पहले ही, तेरे को पढ़े तो नहीं कहा बिल्कुल भी, बात समझ नहीं, चलो तो ज्ञान की बातें मिलती रहेगी, सुबह सुबह मिलती रहेगी भाई, समझ पाए जब जब भटकोगी, जब जब पता लग जाएगा तुम कि रास्ता यही है, ठीक। और अच्छा ये तो बात पता लग चुकी है, जब तुम्हें 68% बताई थी ना, उसमें 69% बता रखी,
कितनी? 69% प्रजाति नष्ट हो चुकी सर। और सुनो, इसमें लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कहती है, सुन लो, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कहती है 69% प्रजाति नष्ट। किसी के 69% नहीं याद रह रहा, लगभग 70% लिख दो, प्रजातियां नष्ट हो चुकी, स्पीसीज नष्ट। बात सही है, इतनी परसेंट प्रजाति नष्ट हो चुकी। ये दूसरा, एक इस फैक्ट को मजबूत बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो प्रजाति नष्ट हुई ना, वे लैटिन अमेरिका में, जो नीचे नीचे दक्षिण अमेरिका ना, दक्षिण अमेरिका उसे हम लैटिन अमेरिका बोलते हैं, वहां नष्ट हुई। दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इतने फैक्ट याद रखने लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में, और कुछ नहीं याद रखना। अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका लिखो, उसमें द्वीप भी है ना बहुत सारे। लैटिन अमेरिका में 94% आबादी नष्ट, सबसे ज्यादा आबादी वही नष्ट हो रही है, देख लो प्रजातियां 94% जो प्रजाति है ना वे नष्ट हो चुकी। समझ में आई बात? अब मेरी बात सुनो, इसे इस्तेमाल कहाँ करेंगे? चीजें हम लिख तो ले, लिख तो हम पढ़ने को कहते हैं, यूज करना जब तक नहीं सीखे ना तो वो बेकार है। सही बात यार, मैंने 1, 2, 3, 4 बातें लिखवाई तुम्हें, और चार की चार बातें लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट पर था, इमेज जहां भी दिख गया ना, और हम तो नहीं भी लिखने को मौका मिलना, लिख दो उसे, बताओ मैंने पढ़ रखा है, मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। सही बात यार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं बेकार नहीं जाने दूंगा, इतना ही पढ़ूंगा, लेकिन बार बार पढ़ूंगा। क्या पता लगा मुझे? पहला पॉइंट, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कहती है पृथ्वी का तापमान 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका, तुम 2050 तक रोकोगे 2 डिग्री सेंटीग्रेड? बदतमीज इंसान, ऐसा समझ में, 2050 तक मेहनत करोगे तुम? अब बढ़ चुका, अब देख लो, 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका, तो 2050 में इसका क्या हाल होने वाला, अंदाजा लगा सकते हो। ऐसा क्या करो तुम, अपने अपनी जो रिपोर्ट है, यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन का, एनवायरमेंट के क्वेश्चन का तुम उत्तर स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सारा कुछ भी तो जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डाल रहा है। समझ बात क्या, तो जलवायु परिवर्तन पर प्रभाव डाल रहा है, तुम इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो। जहां तुम्हें फील हो रहा है कि यार जलवायु पर प्रभाव पड़ रहा है, पर्यावरण की बात चल रही, तो इंट्रोडक्शन यहां से स्टार्ट कर सकते हो उत्तर का। पता लगा कैसे स्टार्ट करना? मैं एक बार दोबारा बोल के बता रहा हूँ, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पृथ्वी हाल ही में 1.2 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो चुकी है। समझ बात, जो पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये हाथ अपना उत्तर स्टार्ट कर सकते, बात समझ में आया बात? उसके बाद यहां तक नहीं स्टार्ट कर सकते, पता लग रहा है किसी जीव जंतु जीव विविधता के बारे में पूछ लिया उसने, जीव विविधता के बारे में पूछ लिया कि जीव विविधता पर वन्य जीव वन और वन्य जीवों में रहने वाला खतरा क्यों मंडरा रहा, प्रजातियां क्यों खत्म होती जा रही, ऐसा सवाल पूछ लिया उसने, उनके नष्ट होने के क्या कारण है, प्रजाति के बारे में पूछ लिया, किसी विशेष वल्चर के बारे में पूछ लिया, वल्चर कहते हैं गिद्ध को, उसके बारे में पूछ लिया कि गिद्ध क्यों खत्म होते चले जा रहे हैं, हाथी के बारे में पूछ लिया उसने, कुछ भी पूछ लिया, तो यहां तो तुम अपनी बात स्टार्ट कर सको, ये तो प्रजाति है कि दुनिया में क्यों खत्म होते चले जा रहे हैं। तो हम ऐसे लिखेंगे, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक पूरी पृथ्वी ग्रह पर लगभग 69% 1970 के मुताबिक 69% प्रजाति नष्ट हो चुकी है। ऐसे लिख सकते 70% प्रजाति नष्ट हो चुकी है। सही बात है, जिसका 94% केवल लैटिन अमेरिका में नष्ट हो चुकी है, यानी इसका भी 94% कहां से ज्यादा प्रजाति कहां नष्ट हुई, लैटिन अमेरिका में, उसमें दक्षिण अमेरिका वो उसके आसपास से कुछ द्वीप आओ उसे लैटिन अमेरिका बोल लगे। बात समझ आई? ये चार पॉइंट याद रहेगा। दूसरा, जंगलों के बारे में लिखने को आया, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 को तुम वहां भी घुसा सको, जंगलों के बारे में, वनों के बारे में, मैग्रोव वनों के बारे में लिखने को मौका मिला, मैग्रोव वन उसके फेवरेट, उसके वन के बारे में फेवरेट, वन क्यों करते चले जा रहे, पर्यावरण के बारे में उसका फेवरेट, तो यहाँ तो वन के बारे में जहां बताओगे तो इस फैक्ट को डाल करो तुम और मजबूत बना सको, रिपोर्ट का नाम देख, याद कम करना कहीं भी, बस सोचना ये कम याद करके इसे कहां घुसाने का मौका मिल रहा था, उसे बार बार पढ़ना। बात समझेंगे, ये क्या कहता, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 के मुताबिक अब तक पृथ्वी से 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल साफ कर चुके, समाप्त हो गए हैं या काटे गए हैं। और ये कौन सा हस्तक्षेप है? मानवीय हस्तक्षेप है, ये मानव के कारण काटे गए हैं। सही बात यार, जो मानव प्रकृति का अपने आप को स्वामी मान बैठा है ना, वही नष्ट करता चला जा रहा। और देखो अफ्रीका के गिनी तट पर प्रजाति, ध्यान लिखने का मौका मिला तुम, बतला रहा है यहाँ प्रजातियों को खतरा पहुंच रहा, तुमने लिखा प्रजातियों को खतरा पहुंच जाएगा। सही बात है, तुम कुछ भी लिख रहे, तुम ऐसा पॉइंट लिखा, तुमने हेडिंग लिख, क्योंकि तुम पूरा तो लिख नहीं सकते, प्रजातियों को खतरा पहुंच जाएगा, तो तुम प्रजातियों को खतरा पहुंच जाएगा इतनी बात लिख कर ना, जैसे अफ्रीका के गिनी तट के पास अनेक प्रकार की प्रजाति नष्ट हो चुकी है,
या बात को लिखो उस बात को और मजबूत बनाया जा सके, ये बात मैं तुम्हें कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं बहुत सारे टोपरों कॉपी पढ़ रहा हूँ और टोपरों कॉपी मुझे इस तरह की बात दिखाई दे जो हिंदी मीडियम के टोपर है, इंग्लिश मीडियम के भी टोपर है, जो फर्स्ट सेकंड सेकंड रैंक वाले एक तले के दस तक के सभी रैंक करोगे कॉपी निकाल लो उसका, देखो पढ़ेगा क्या लिख रहा है। एक तले के दस तक के इंग्लिश मीडियम कॉपी निकाल लो क्या लिख रहा है। कई बार ढेर बड़ा तूफान थोड़ा ये जो लिख कर नंबर ले गया आ रहा बार ही हो, ऐसा क्या जो उसके अंदर मेरे अंदर नहीं है, वो ले आओ उससे पढ़ेगा खींचो दस टोपरों को पढ़ोगे दस दस तरीके दिमाग काम करेगा, ऐसा करो और कहाँ से सीखे यहाँ। और इतना तो मुझे पता कि मैं सारा कुछ तो याद नहीं कर सकता, लेकिन जो मेरे पास है उसे बार बार यूज करना सीख सकूंगा। समझ बात यार, ठीक चलो नोट करो। अब टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी की जैव विविधता के प्रकार, हेडिंग बनाओ कॉपी में जैव विविधता के प्रकार, टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के प्रकार। और देख लो ध्यान से, अगर कभी सिंगल तरीके से जैव विविधता पर क्वेश्चन आया ना तो लिखना पड़ेगा तुम्हें जैव विविधता की परिभाषा, दूसरा जैव विविधता के प्रकार। खाली जैव विविधता का सवाल आया कि जैव विविधता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, और बहुत ही मुश्किल चांस होगा कि जैव विविधता पर सवाल पूछेगा इंडिकेट करेगा, पीसीएस में पूछ लेगा, यूपीएससी में पूछ लेगा बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन फिर भी समझ लो कि जैव विविधता कितने प्रकार की हो, पहले नंबर पर कौन सी जैव विविधता होगी और दूसरे नंबर पर जैव विविधता कौन से प्रकार की होगी। तो जैव विविधता को तीन श्रेणियों में बांटा गया, कितनी श्रेणियों में, तीन श्रेणी। तो ऊपर चाहे तो लाइन लिख सकते हैं इसे, इसकी तीन श्रेणियां होती है, यहाँ लिखो इसकी तीन श्रेणियां होती है, इसमें लिखो टाइप ऑफ बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता के प्रकार में इसकी तीन श्रेणियां होती है। नंबर एक, नंबर एक प्रजाति विविधता, प्रजातीय विविधता, इसे इंग्लिश में क्या बोल लेंगे प्रजाति विविधता को, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज की स्पेलिंग SPECIES, स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी। दूसरे नंबर पर अनुवांशिक विविधता, तीनों समझेंगे अभी, अनुवांशिक विविधता, अनुवांशिक विविधता, इंग्लिश में क्या बोल लेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी, GENETIC, जेनेटिक डाइवर्सिटी, DIVERSITY, जेनेटिक डाइवर्सिटी। तीसरे नंबर का जाओ भैया, तीसरे नंबर का उसका नाम पारिस्थितिक विविधता, पारिस्थितिक विविधता, इसे क्या बोल लेंगे इकोलॉजी, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, अब हम इसके नीचे ऐसा करके पॉइंट बनाएंगे, इसके इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखेंगे कि यार ये प्रजाति विविधता क्या कहना चाह रही है, हो क्या प्रजाति विविधता, क्योंकि हो सकता कभी आज तक पूछा नहीं इसके बारे में, तुम्हें पॉइंट लिखना पड़ेगा मेंस में, और नहीं हो सकता तो प्रजाति विविधता को लेकर प्रजाति विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सही परिभाषित कौन सा करता है, अनुवांशिक विविधता को निम्नलिखित में सही परिभाषित कौन सा करता है, परिस्थिति की विविधता को निम्नलिखित में सही परिभाषित कौन सा करता है, नहीं तो मेंस में तो लिखने का सुअवसर प्राप्त होगा ही होगा। अच्छा ये बताओ प्रजाति विविधता में प्रजाति किसे कहते हैं, प्रजाति किसे कहते हैं, प्रजाति को परिभाषित करते हैं पहले, किसी परिस्थिति में बता, किसी परितंत्र में एकल प्रजाति जो होगी ना, सही बात, उसका जो मूल प्रजाति होगी और उसकी जितनी प्रजाति होगी उसे प्रजाति एकल प्रजाति के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रजाति का मतलब एक एक ही संतति हो जिसकी, मान लो हम मनुष्य और ये सारी मनुष्य संतति, ये सब मनुष्य प्रजाति बोल रहे हैं। अगर हम भैंस की बात कर रहे हैं तो भैंस 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 डंगरों की जितनी प्रजाति हो एक प्रजाति अलग होगी,
ऐसे समझो, शेरों की बात करें, शेर 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 शेरनी 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 शेर, ऐसे समझो ये शेरों की प्रजाति होगी। समझ बात क्या, तो इसे हम प्रजाति बोलते हैं। लेकिन सवाल अलग अलग, तुम यहाँ तो अलग अलग परिस्थिति तंत्र में अनेक प्रकार की विभिन्न विभिन्न प्रजाति पाई जाती है। एक ही परिस्थिति तंत्र होगा उसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार की प्रजाति पाई जाएगी। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो प्रजाति पाई जाएगी, प्रजातियों में विविधता पाई जाती है। कभी भी हम ऐसे नहीं कह सकते एक परिस्थिति तंत्र में एक ही प्रकार की प्रजाति लगती है। तो ये भी तो हम कह रहे हैं प्रजाति विविधता, तो किसी भी परितंत्र के अंदर ना प्रजातियों की विविधता पाई जाती है, इसे हम प्रजाति विविधता कहते हैं। कोई भी परितंत्र हो उसमें जो एक प्रजाति हो, एक प्रजाति नहीं लगती उसमें, नहीं, कई विभिन्न प्रकार की प्रजातियां किसी भी इकोसिस्टम पर एक साथ रहती है। जब विभिन्न प्रकार की प्रजातियां किसी भी सिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में एक साथ रहती हो, हम इसे कहते हैं कि यहाँ ना प्रजातीय विविधता। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब अनुवांशिक विविधता क्या हो, हम सब मनुष्य ही तो, सब हम सबको होमो सेपियंस बोल लोगे आप, लेकिन सबके थोपड़े अलग अलग संरचना, समझ आई बात? यह सबकी संरचना अलग नहीं, हम मनुष्य की प्रजाति, हम क्या क्या होंगे, नाम तो मनुष्य की प्रजाति में ही आएंगे, लेकिन सबकी संरचना अलग अलग पाई जाएगी। हमारी संरचना हमारी जीन्स के आधार पर बनी गई, सही बात है। तुम्हारे पेरेंट्स की कुछ ना कुछ गुण तुम मैच करते होंगे, कुछ तो होगा, ऐसा समझ में, वही अनुवांशिक विविधता। अब परिस्थिति की विविधता, जो इकोसिस्टम में रहने के दौरान हम प्राप्त कर लेते हैं, वहां बदल जाती है परिस्थिति के हिसाब से। परिस्थिति की विविधता जब लिखेंगे इसके अंदर और क्लियर हो जाएगा। मोटे मोटे तरीके से बताया, मोटे मोटे तौर पर क्या हो, बात समझ में? तो बताओ विविधता कितने, जैव विविधता कितने प्रकार की, तीन प्रकार, एक तो प्रजाति विविधता, दूसरा अनुवांशिक जैव विविधता, जैव विविधता। समझ में आई बात है? अब इसके अंदर एक पॉइंट लिखेंगे, दो पॉइंट, तीन पॉइंट, जहां तक सवाल बन सकता है मुझे लगा, और जिसे लिखने का तुम्हें मौका मिलेगा। पहला पॉइंट लिखो उसके अंदर कि प्रजाति विविधता के अंदर लिखो, प्रजाति को एक ही प्रकार के जीवों के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रजाति को एक ही प्रकार के जीवों के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसे बोल लीजिए एक प्रकार के जीवों से प्रजाति बोल रहे, प्रजाति को एक ही प्रकार के जीवों के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही बताओ, जैसे तुम पृथ्वी के ध्रुव की तरफ चल जाओगे, पृथ्वी हमारी, ये हमारा प्लेनेट है, हमारा पृथ्वी ग्रह है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ से आसपास का जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, यहाँ तक है ना उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, 35 से लेकर 30-35 तक मान लो, 30 तक लेकर यहाँ तक 30 तक मान लो, मोटे मोटे तौर पर 30 यहाँ तक, 30 यहाँ तक, 30 अक्षांश ऊपर 30 अक्षांश नीचे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जैसे जैसे तुम ध्रुवों की तरफ बढ़ोगे ना, तो इतनी जीवों की जनसंख्या कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे ना, ध्रुव यहाँ ऊपर हमारा नॉर्थ पोल या साउथ पोल, ध्रुवों की तरफ जाने पर जो प्रजाति विविधता वो कमी होती पाई जाती है, बहुत ही कम प्रकार के जानवर दिखा देंगे तुम्हें। और उस जैसे तुम विषुवत रेखा की तरफ बढ़ेंगे, विषुवत रेखा हमारी है 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं, समझिए बात। तो यहाँ तुम्हें प्रजातियों की विविधता अनेक मात्रा में दिखाई देगी। यहाँ इसी एक क्षेत्र में विषुवत रेखा के आसपास कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे अमेजन के जंगल देखे तुम, वहाँ सभी प्रकार के पौधे मिलेंगे तुम, जिनके बारे में अब तो पता भी नहीं लगाया, ऐसे ऐसे जानवर मिलेंगे जहाँ तक मनुष्य उनके पास आज तक पहुँच भी नहीं सका। पूरी पृथ्वी के पास, पूरी पृथ्वी 50 मिलियन प्रजातियां, पहचान केवल 1.4 करोड़ की हो पाई, इस बात को मत भूलना बिल्कुल भी। तो देखो प्रजातियों में कैसे विविधता, अलग अलग स्थान पर जाओगे अलग अलग इकोसिस्टम में प्रजातियों में विविधता मिलेगी तुम्हें, समझ बात क्या, पता लगे प्रजातियों में कैसे कैसे विविधता मिलेगी। लिखो अगला पॉइंट, लिखो दूसरा पॉइंट, लिखो ध्रुवीय क्षेत्र में प्रजातियों में कम विविधता दिखाई देती है, ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रजातियों में कम विविधता दिखाई देती है, यही पॉइंट लिखना है तुम्हें, कुछ भी आ जाओ, ध्रुवीय क्षेत्रों में प्रजातियों में कम विविधता दिखाई देती है। क्योंकि वहां की जलवायु उनके अनुकूल नहीं होती है, क्योंकि वहां की जलवायु उनके अनुकूल नहीं होती है, लिख लिया। अब बताओ जो विषुवत रेखा, यहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं आया, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में धूप भी पर्याप्त मात्रा में होगी और वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होगी, और जब धूप भी वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होगी
कल्याण में छोड़, धूप भी पर्याप्त मात्रा में होगी, वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में होगी, तो फिर जैव विविधता पर्याप्त मात्रा में होगी, समझ बात क्या। लेकिन ध्रुवों की तरफ जाओगे ना तो जैव विविधता में कमी पाओगे, तुम जीवों की विविधता में कम पाओगे, पेड़ पौधे भी कमी मात्रा में मिलेंगे वहां से, समझ बात। और जहाँ पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे वहां जीव भी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ विश्व तरीके के आसपास साल भर वर्षा होती रहती है, समझ, हरे भरे वर्षावन रहते हैं यहाँ से, तो जैव विविधता भी अधिक मात्रा में पाई जाती है। लिखो, जबकि इसमें लिखना जोड़कर, जबकि दूसरी ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त धूप आती है, पर्याप्त वर्षा होती है, पर्याप्त धूप आती है, और यहां पर जीवों की विविधता अधिक दिखाई पड़ती है, और यहां जीवों की विविधता अधिक दिखाई पड़ती है, अच्छा बताओ विविधता किस पर निर्भर करेगी? वर्षा पर। वर्षा होगी तो पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो जो जीव जंतु होंगे रहने का स्थल होगा, एक तो वर्षा पर निर्भर करती है, दूसरा तापमान पर। तापमान अगर ज्यादा होगा ना तो समस्या खड़ी हो जाएगी तापमान पर। तो बताओ जो विविधता प्रजाति जो विविधता किस पर निर्भर करती है? नंबर फर्स्ट वर्षा पर, नंबर दो तापमान पर, वर्षा होगा एक तापमान होगा, इतनी बात बताओ समय में नहीं। दूसरा पोषण स्तर पर, किस पर? उनके लिए वहां भोजन है नहीं है उस आवास के अंदर, समझ बात या नोट, NOT नोट, इसके नीचे नोट लिखो। प्रजाति विविधता, प्रजाति विविधता, तापमान, तापमान कोमा वर्षा, तापमान कोमा वर्षा, पोषण एवं सूर्य के प्रकाश, पोषण एवं सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता पर निर्भर करती है, पोषण एवं सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अगर ये सब चीजें उपलब्ध होगी तो प्रजाति विविधता होगी। नाम सुना हॉटस्पॉट का? अगर बरम पढ़ने वाले जहां हॉटस्पॉट है ना भारत के अंदर ना, जो पश्चिमी घाट पर्वत है वो भी एक हॉटस्पॉट है, और वहां भरमार मात्रा में जीव विविधता, यह बात मैंने भूगोल की वीडियो में बताई, समझ बात या ठीक। जैसे हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है, प्रजाति विविधता अधिक पाई जाती है, ऐसे लिखो। जैसे हॉट स्पॉट वाले क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक पाई जाती है, समझ में आया बात या? अब अनुवांशिक विविधता क्या हो, मुझे एक बात बताओ। अगर एक जैसे तुम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के आसपास चले गए, वहां थोड़े गोरे गोरे लोग मिलेंगे तुम, थोड़ा तो काले काले लोग मिलेंगे, ऊपर चले जाओ तो गोरे गोरे लोग मिलेंगे, और अगर तुम चले गए ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास वहां तो और भी गोरे गोरे लोग मिलेंगे तुम। और जैसे चले गए तुम जहां चले गए दक्षिणी सूडान में, सबसे काले काले लोग वही रहो, ये बात समझ में। लेकिन हम सब है तो मनुष्य की प्रजाति, लेकिन हमारा पता क्या है, हमारे जीन्स में परिवर्तन है, हम सब होमो सेपियंस, हम सब बंदर, हमारे पूर्वज बंदर रहे सब, क्या ऐसे समझो, तुम्हारे पापा के पापा के पापा के पापा के बंदर थे, समझ की बात है, तुम सब बंदरों के प्लेयर हो, होमो सेपियंस। लेकिन पता क्या है, और हम है प्रजाति, तो एक ही प्रकार की प्रजाति ना, जो उसके अंदर ना, उसके अंदर उसकी संरचना विभिन्न प्रकार की पाई जाती है,
एक ही प्रकार की प्रजाति हम, लेकिन हमारी संरचना में देखो कितना ठड्डा इंसान हूँ, तुम देख रहे हो कितने बच्चे से, तो संरचना अलग नहीं होगी, है हम फिर भी मनुष्य ही। तो ऐसी विविधता कहते हैं, बता कौन सी विविधता, अनुवंशिक विविधता। बात समझ बात, चाहे तुम अपने आप को देख लो, यह लड़की है तुम लग रहा है बिल्कुल चंद्रपाल में मैच कर रही है, ऐसे बोल, मुझे तो लगता है पूर्ण रूप से चंद्रपाल मैच करती है, और काजल को तो कोई बता नहीं सकता चंद्रपाल की है भी नहीं आया, ऐसे समझ अपनी मम्मी की, मतलब समझ में आया बात, इतनी बात बात समझ में नहीं आई इसका, है मनुष्य ही सेम, तो सेम पीस तो नहीं है ना, ऐसे समझ सेम पीस हो तो प्रॉब्लम हो जा, समझेंगे बात क्या, उसके इसके इसके जो बच्चे होंगे वे कुछ अलग प्रकृति के होंगे, हो सकता है इतना ही हो, आगे बढ़े ही ना हो, बताओ है मनुष्य ही और एक ही प्रजाति, लेकिन विविधता किसके कारण है, जीन्स के कारण, इसके जीन्स इसमें ट्रांसफर हुए और उसमें हुआ बदलाव, उसमें उसमें बदल गए सारे के सारे जीन्स, ऐसे सब मनुष्य हैं। तो इसका मतलब किसी भी पारितंत्र के अंदर ना अनुवांशिक विविधता भी पाई जाती है प्रजातियों के अंदर, किसके अंदर, यही बात जानवरों के पास, कोई सा भी जानवर उठा लो, अब बताओ जैसा हमारा झोटा जरूर थोड़ा ना, जो उसका बच्चा होगा झोटे का, ऐसे समझ में जो भैंस तो पैदा होगा, ऐसे समझ में वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसकी बात की गारंटी, उसकी संरचना क्या, आप तो छोटा ही रहा हो, छोटे कद का टीका हो, या बता बहुत बड़ा हाथी जैसा हो जा, क्यों जी, सही है गलत है? तो एक ही प्रजाति होगी, उसके अंदर ना जीन्स के कारण, किसके कारण, अच्छा जीन्स कहाँ पाए जा, डीएनए में, डीएनए के अंदर शरीर कोशिका हो, कोशिका के अंदर क्रोमोसोम पाए जा, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाए जा, और वहां उसके अंदर पाए जा जीन्स, और जीन्स ऐसी चीज हो, ऐसे वे पदार्थ हो, वे ना पीढ़ी दर अनुवांशिक पदार्थों में वे पीढ़ी दर ट्रांसफर होते हैं। मैं चाहे भी कितना भी नकार लूं, मेरे बाप के गुण मेरे अंदर आज भी है, और मैं अनुवांशिक गुण, ऐसे बजब अगर तुम मेरे पेरेंट्स को मेरे मुझे एक साथ बैठाओगे ना, तो कुछ ना कुछ तुम मैच कर लोगे, कुछ ना कुछ मैचिंग जरूर दिखाई देगा, चाहे वो चाल चलन हो, आंखें हो मेरी, बोलने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, कुछ ना कुछ जरूर मैच करके दिखाई देगा, यही बात तुम्हारे अंदर, तुम भी जरूर वही पीस हो, ऐसा बजब ठीक। जैसे मैंने तुम उदाहरण भी दिया था काजल का एक बार, तो इसका मतलब जितनी प्रजातियां ना, जितनी प्रजातियां उनके अंदर ना अनुवांशिक विविधता पाई जाती है, ऐसा बजब किसी भी पारितंत्र के अंदर जो जैव विविधता के अंदर, तो दूसरे प्रकार की जो जैव विविधता वो अनुवांशिक विविधता, कौन सी, बात समझ में, अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ फिर यही पढ़ना ठीक, मैं इसमें काम कर लिख लो, लिखो किसी प्रजाति के जीवो, किसी प्रजाति के जीवों के, किसी प्रजाति के जीवों के, किसी प्रजाति के जीवों के, किसी प्रजाति के जीवों के अनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता, अनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता को, अनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता को, अनुवांशिक पदार्थ में भिन्नता को अनुवांशिक विविधता कहा जाता है। अनुवांशिक विविधता कहा जाता है। तो कोई भी प्रजाति हो, उसके प्रत्येक सदस्य, हम मनुष्य प्रजाति, हम सारे सदस्य, समझ बात, हम एक ही प्रजाति के सदस्य, लेकिन हमारी संरचना विभिन्न विभिन्न है नहीं, तुम बिल्कुल मेरे जैसे थोड़ा ही हो, जो मेरी संतति पैदा होगी धोखे तो मैंने ब्याह भी करवाया, तो ऐसे समझ तू बिल्कुल मेरे जैसा थोड़ा पीस होगा, अब वह बात अलग, वो जो आजकल तकनीक आ रही है इसके जैसे ही पीस निकाल देंगे, सही बात है वो अलग कैसे, लेकिन हम प्रकृति के तौर पर बात कर रहे हैं, अलग तो होगा तो विभिन्नता तो मिलेगी। तो लिखो अगर दूसरा पॉइंट इसके अंदर, दूसरा पॉइंट, किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य, किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य, किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य की, किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्य को, अन्य सदस्य की तुलना में विभिन्न अनुवांशिक संरचना होती है, किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य की, किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य की किसी अन्य सदस्य की तुलना में, किसी अन्य सदस्य की तुलना में विभिन्न अनुवांशिक संरचना होती है,
किसी प्रजाति के प्रत्येक सदस्य की अन्य सदस्य की तुलना में विभिन्न अनुवांशिक संरचना होती है। जैसे प्रत्येक मनुष्य होमोसेपियंस प्रजाति से संबंध रखता है, जैसे प्रत्येक मनुष्य होमोसेपियंस प्रजाति, हम होमोसेपियंस तो है कौन, जैसे प्रत्येक मनुष्य होमोसेपियंस प्रजाति से संबंध रखता है, होमोसेपियंस प्रजाति से संबंध रखता है, परंतु वह फिर भी एक दूसरे से भिन्न है। होमोसेपियंस प्रजाति से संबंध रखता है परंतु वह फिर भी एक दूसरे से भिन्न है। तुमने उसका नाम सुना है चावल का? चावल, एक बासमती चावल हो, एक मोटा चावल हो, एक पूना चावल हो, चावल की एक लाख प्रजातियां हो और नाम फिर भी चावल ही, नाम तो फिर भी चावल ही। जो एक कौन सी विविधता? अनुवंशिक विविधता। कौन सी विविधता है? मानसिकता नहीं है, अनुवंशिक विविधता। क्या मानसिकता बता रही बैठी नींद आ रही? चलो लिखो आप अगला पॉइंट। जैसे पौधे की एक किस्म, पौधे की एक किस्म में पौधे की एक किस्म में कई प्रकार, जैसे चावल की, विश्व भर में चावल की 1 लाख से विभिन्न किस्में होती है। ठीक, क्या लिखा तूने? जैसे पौधे की एक किस्म में कई प्रकार, कई प्रकार, जैसे विश्व भर में चावल की 1 लाख विभिन्न प्रजाति होती है, ये विभिन्न किस्में होती है। जैसे विश्व भर में चावल की 1 लाख विभिन्न किस्में होती हैं, जैसे विश्व भर में चावल की 1 लाख विभिन्न किस्में होती हैं, कोमल होगा, आम की भी कई किस्में होती है, आम की है नहीं, कहते नहीं दुसारी, यो लंगड़ा, यो कलमी, यो फजली, हाँ हाँ आम की प्रजातियां हो। इस बात को अच्छी तरह यीशु समझा सको, पूछ लो चाहे, होते नहीं आम की कई प्रजातियां, ये पता किसके कारण हो? अनुवांशिक विविधता के कारण। किसके कारण? अच्छा एक बात और, अगर तुम लंगड़ी की अम्बी खाओगे उसका टेस्ट अलग होगा, उसका स्वाद अलग होगा, और सिंदूरी की भी हो, देखो अब रुक जा, यहाँ तो पक्ष मजबूत है। और सुन लो ध्यान से अच्छे तरीके से, अगर तुम कलमी की अम्बी खाओगे बहुत बहुत मीठी हो, सबका स्वाद अलग अलग होगा। जो कलमी की अम्बी होगी, एक हो फजली की, वह ऐसी हो उस कच्ची अम्बी को सब घर में उसमें बर्तन में बनाया जा, उसकी चटनी बनाई जा, अच्छी अम्बी मानी जावा, सही बात है। आम की बहुत सारी किस्में हो, एक हो बारहमासी आम हो, बारहमासी चलो ऐसे ऐसे आम हो, लेकिन सबका स्वाद अलग अलग हो, ये पता क्यों है ऐसा? अनुवांशिक विविधता के कारण। क्या लिखा है? आम की कई किस्में होती है, लिख दिया, परंतु सबका स्वाद अलग अलग होता है, सबकी संरचना में स्वाद अलग अलग होता है। अरे क्या बात कह रहे हैं आप, कुछ भी ले लो आप, अब मैंने तो इशारा दिया, अब आपको वहां कुछ और भी सवाल पूछा जा सके, इसी से ये सिर्फ दिमाग चलाने के लिए दिया गया कि इसमें अनुवांशिक विविधता पाई जा, समझ आई बात क्या? बात समझ आई बात? चलो मैं एक और बताता हूँ, तुम गौर से सुनना, बहुत खतरनाक बता रहा हूँ, इस पर सवाल पूछ रखा है यूपीएससी ने, सही बात। देखो आजकल पता क्या चल रहा, तुम बताता ये बंजर जमीन है, साइड में इस बंजर जमीन के अंदर कभी पौधे नहीं उग सकते, लेकिन बंजर जमीन के अंदर जो पौधे होगा ना, जैसे बेर के पेड़ होगा उग जा, तो आया समझ, तुमने पता क्या करा, बेर के पेड़ के अंदर ऐसा क्या है, बेर के पेड़ के अंदर वो बंजर जमीन में उग रहा, तो वैज्ञानिक ने तेज निकले, उसका जीन निकाला प्रयोगशाला में, लेके टेस्टिंग करी उसकी, समझ बात क्या? उसके बाद जो जिस फसल को पानी चाहिए, गेहूं,
उसका उसका जीन उठाया, ये चावल बासमती चावल है ना, जो बासमती चावल गोल्डन राइस, उसका जीन उठाया और दोनों को जोड़ दिया आपस में, जोड़कर ना आपस में कनेक्ट करके एक नया बीज तैयार कर दिया। और वो ऐसा बीज तैयार कर दिया चावल काला जो बीज है ना, इन दोनों को इसे पुनर्संयोजित बोल लो सर, रिकॉम्बैक्ट तकनीक से बोल लो, रिकॉम्बैक्ट डीएनए से बोल लो, उसके दोनों को डीएनए जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद ना उस चावल को गोल्डन राइस को अब सूखी भूमि में जाकर उगा, अनुवांशिक जीन में बदलाव कर दिया ना, जीन में बदलाव कर सक, जीन एडिटिंग बोल लो सर, जीन को एडिट कर सक। और जैसे जीन को एडिट कर दिया ना, एडिट करने के बाद फिर उसको वहां उगाएंगे। अब जो चावल वहां उग रहा था ना उसमें क्या कहते हैं पानी वाली फसल में, अब वो उसमें उगा बंजर भूमि में, क्योंकि हमने उसके जीन में बदलाव कर दिया। अनुवांशिक जैव विविधता यही तो हो आजकल, इसे रिकॉम्बैक्ट डीएनए बोलते हैं, रिकॉम्बैक्ट डीएनए। समझ में आई बात? एक और लिखो, हाँ सिंपल लिख लिया मेरे यहाँ, लिखो अनुवांशिक रूप से, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित पौधे, अगला पॉइंट लिख लो, अनुवांशिक रूप से परिवर्तित पौधे और प्राणी, प्राणी भी आजकल ऐसे ही है, पता कैसे हो रहा है, सुन लो ध्यान ध्यान से। मान लो ये लड़की है, सही बात है, एक्सपेरिमेंट करा गया, इंसान के इतनी गर्दन काट दो, घोड़े की लगा दो उसको, तो चलेगी, काम करेगी सारा पूरा, हाँ ये अनुभव जीन में बदलाव आ गया उसके। सच में मनुष्य के अंदर ना, मनुष्य का हार्ट खराब हो गया, उसे बाहर निकाल दो, उसके अंदर जो सुअर का दिल है ना वो डाल दो, ट्रांसफर भी करा गया वो। कौन सारी चीज भारत में पैदा हुई थी वो, तो मैंने थोड़ा ही कर रहा था, शुक्र मना तो बीजेपी की पार्टी बनी हुई आया, समझ में सब कुछ भारत पैदा कर रहा था, कुछ भी कहते हैं तो एक एग्जाम बता के ना पीछे जाके तुरंत खोज लेंगे, ये पक्का मुसलमान है इसके पीछे, सही बात है, समझ बात है, तो तुरंत बता, पता क्या बता रहे, कल मैं व्हाट्सएप पर मैसेज पढ़ रहा था, तो हमारे गाँव ग्रुप के गाँव में पता क्या भेज रखा, गाँव वाले ग्रुप में पता क्या भेज रखा है, ये भेज रखा है कि जो ड्राइवर चालक था ना वहाँ का स्टेशन मास्टर था, जो ट्रेन ऑपरेट कर रहा था उसका नाम मोहम्मद फरीद था और वो फरार है। अब सोचो उनकी मानसिकता क्या होगी, भेजा था मैंने वो, यह सोचो क्या मानसिकता होगी उनकी, जिस तरह का प्रचार प्रसार कर रहा, समझ बात है, क्या मानसिकता ले बैठा हुआ हो, दो 2014 तो पहले तो नहीं आता, चुनाव कैसे जीतेंगे फिर, चुनाव भी तो जीता 2014 का, 2024 का 10 साल हो चुके, सही बात, क्या बदला, कुछ भी नहीं बदला, विश्व गुरु मना रहे, अरे भाई पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम के अंदर क्षेत्रीय कांशों पर ध्यान दिया जा, पढ़ा नहीं पढ़ा तुमने, कहाँ क्षेत्रीय कांशा है, ऐसा समझो बीजे के पास पैसा नहीं है, सही बात है, रोज आके मैंने कुंडा खड़का हुआ, कौन सी क्षेत्रीय कांशों पर ध्यान दिया जा रहा है, हाँ उसकी पिंजर बननी चाहिए थी ना, ये बननी चाहिए थी, क्या लिखा बोझा, पौधे और प्राणियों जैसे अच्छे जीवों का विकास करने के लिए, पौधे और प्राणियों उसके साथ हासिल है, पौधे और प्राणियों जैसे अच्छे जीवों का विकास करने के लिए, पौधे और प्राणियों जैसे अच्छे जीवों का विकास करने के लिए, पौधे और प्राणियों जैसे अच्छे जीवों का विकास करने के लिए विभिन्न प्रजातियों के अनुवांशिक पदार्थ का जोड़ तोड़ किया जाना, विभिन्न प्रजातियों के अनुवांशिक पदार्थ का जोड़ तोड़ किया जाना, इसे जोड़ को बना दिया, इसे तोड़ के बना दिया, विभिन्न प्रजातियों के अनुवांशिक पदार्थ का जोड़ तोड़ किया जाना जैव तकनीक कहलाता है, लिख दिया, जोड़ तोड़ के जाना जैव तकनीक कहला रहा है, जैव तकनीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत गहरे से पढ़ेंगे सर,
बात यह आ गई थी अनुवांशिक विविधता की, ऐसे बता रहा मैं तुम्हें, अनुवांशिक विविधता ऐसे भी चेंज हो रही है, ऐसे समझ में। मान लो तुम्हें लग रहा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, सही बात यार, तो मेरे ने अंदर से जीन निकाल ले, मेरी कोशिकाओं के अंदर से मेरे जीन निकाल ले, उस अंदर तुमने फ्रीजिंग करके रख दिया, फ्रीजिंग करके रख दिया, सही बात यार। और तुम्हें लग रहा कि आने वाला जो पीढ़ी है, तुम भी चाहते हो तुम्हारा बच्चा ऐसा ही हो, सही बात यार। और इन विट्रो फर्टिलाइजर, सच में बता रहा हूँ, इन विट्रो फर्टिलाइजर का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा ना, तुम अपने बच्चों को बिल्कुल इसी तरह डिजाइन करवा सकते, तुम उस जान का नहीं होगी। मैं जब इस तकनीक के बारे में पढ़ा, सुन लो, समझ में आती है, उसके अंदर सिर्फ मेरी जीन जागा, जीन का मतलब इतना ही इंटेलिजेंट होगा, ऐसा ही पीस होगा बिल्कुल एकदम। अगर तुम्हें लग रहा तुम इंटेलिजेंट हूँ, समझ की बात यार, अब बड़ा होगा ना ऐसी एक्टिविटी करेगा, अब सोच लो इतने खतरनाक तरीके से, इसे तो हम पुनर्संयोजित डीएनए कहते हैं, पुनर्संयोजित, पुनः दोबारा निर्माण कर दिया डीएनए का, लिखो क्या लिखा अभी तुमने, इसे पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, इसे पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है, इसे पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी कहा जाता है। लास्ट लास्ट वाला रहा पारिस्थितिकी विविधता, कौन सी विविधता भैया, इसके बारे में समझो, पारिस्थितिकी विविधता का क्या मतलब है, गौर से सुनो ध्यान, हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, हम भारत में रह रहे हैं, भारत को एक पारिस्थितिक तंत्र मान लो, यहाँ के लोग इसके अंदर जो जीव रह रहे हैं वे अलग, भारत के अंदर काले काले हाथी पाए जा, हाथी तो पाए जा ना फिर भी, और हाथियों की एक प्रजाति थाईलैंड में पाए जा, सफेद रंग के हाथी पाए जा, बचपन में पढ़ा था ना, सफेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं, थाईलैंड में, एक ये तो फुर्सत फेवरेट जी के क्वेश्चन ही हुआ था नैतिक शिक्षा मत, ऐसे मन में जनरल नॉलेज में जी के में क्या शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा अंडा उसका ही हो, ये मुझे पता। तो पारिस्थितिकी विविधता क्या है, मतलब वो जैसा पारिस्थितिक तंत्र चेंज होगा ना, बाकी विविधता चेंज हो जाएगी, ये पारिस्थितिक विविधता हो, देखो पारिस्थितिकी तंत्र जैसे ही बदल जाता है, उसकी विविधता भी बदल जाती है, जैसे पृथ्वी पर वन कोमा रेगिस्तान, रेगिस्तान की विविधता अलग होगी, वनों की अलग होगी, कोमा घास के मैदान, वन कोमा घास के मैदान, कोमा समुद्र, कोमा दलदली भूमि, कोमा आर्द्र भूमि, आदि, इतना लिखना बस। ठीक, अगर पूछा था उनको इसे की बिग लाइन बताओ, इसे बिग लाइन बताओ, इसे बिग लाइन बताओ, समझ रहे तुम, इसे बिग लाइन बताओ, इसे बिग लाइन बताओ, इसे बिग लाइन बताओ, तो यहाँ तो प्रजातियों का मूल्यांकन होगा, किसका, और यहाँ किसका, जीन्स के बारे में बताया जाएगा, किसके, जीन्स के,
और यहाँ कौन से महाद्वीप में रह रहे, कौन से क्षेत्र में रह रहे, वैश्विक स्तर पर कौन से महाद्वीप में रह रहे, कौन से महासागर में रहे, उसका मूल्यांकन होगा। मैं चाहता हूँ उसके अंदर भी एक लाइन लिख लो, इसके अंदर भी जगह बच रही हो ना, यानी इस पूरी चीज को नटाते तुम एक लाइन भी लिख सको। लिखो अनुवांशिक विविधता ना, उसके नीचे एक नोट लिखो, एनोट एनोटी नोट, जगह बच रही हो तो। हाँ अनुवांशिक, उसके पहले पहले नंबर पर प्रजाति विविधता थी ना, प्रजाति विविधता के अंदर नीचे लिखो इसका मूल्यांकन, इसका मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रजातियों के स्तर पर होता है, इसका मूल्यांकन पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर प्रजातियों के स्तर पर होता, लिख दिया। इस बार लिखो अनुवांशिक विविधता में इसका मूल्यांकन प्रजातियों में जीन के कारण, जीन के कारण होता है, एक और रहेगा इसमें लिखो तीसरे वाले में, इस पारिस्थितिकी विविधता में लिखो इसका मूल्यांकन महाद्वीप और वैश्विक स्तर पर होता है, इसका मूल्यांकन महाद्वीप और वैश्विक स्तर पर होता है। महाद्वीप और पारिस्थितिकी वैश्विक स्तर पर होता है। मैं चाहता हूँ जितना भी तुमने पढ़ा, मैं आगे नहीं पढ़ाना चाह रहा अभी, मैं चाहता हूँ जितना भी तुम पढ़ाए के बारे इसकी कम से कम दो बार रीडिंग मारनी है। दुनिया में तुम आने वाले टाइम पे इससे छोटे लेवल की तैयारी करोगे तो ये सही नहीं होगा। इसके अपेक्ष तुलना करके देखोगे तो सर सारे सब्जेक्ट को हमसे कम कर ही पाओगे, 10-15 दिन तैयारी करते आराम से निकाल दोगे, इतनी बड़ी तैयारी करो ये बता रहा तुम। उसके बाद क्या करोगे तुम, तुम्हारी सोच ना इतनी कुछ नहीं हो, तुम्हारी सोच हमेशा सोच तो ऊँची रहती है, कितने सारे वैल्यूज के लिए मतलब महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। इसी तरह जो जेबी विविधता, जो तुम जेबी विविधता पढ़ रहे हो इसके बहुत सारे वैल्यू, अगर वैल्यू को लेकर पेपर में सवाल पूछेगा फिर टीम सवाल, और तो अगर मेंस में लिखने का मौका मिले ना तो डाल सकते हो कभी भी कि जैव विविधता के क्या लाभ, तो हम डाल सकते जैव विविधता का सामाजिक महत्व भी है, सामाजिक मूल्य भी है, और सामाजिक मूल्य क्या है, सोशल वैल्यू भी है जैव विविधता के। क्या है, मान लो किसी व्यक्ति के पास 1000 हाथी है तो लोग पता क्या सोचेंगे, धरना से ऐसा किसी के पास बहुत बड़ा चक्र जमीन है और उसमें तालाब भी उगा रखा, तालाब के अंदर बहुत सारे जानवर भी रहो, जानवर रहो तो पेड़ और आस पास उसके खेत में आस पास पेड़ पौधे भी है तो वहाँ की जैव विविधता बहुत ज़्यादा होता है, और उसका स्वामी हो इसका मतलब वो तो समाज में लोगों से प्रतिष्ठा देगी ना, देगी सम्मान देगी ना, देगी बहुत बड़ी संपत्ति है हमारी जैव विविधता के मालिक। तो जैव विविधता जिसके यहाँ ज़्यादा हो ना, और जैव विविधता का जो स्वामी हो या उसकी ना सामाजिक वैल्यू बढ़ा देती है, समाज में लोग ज़्यादा बढ़िया रहती है। आज भी तुमने देखा गाँव में जिसके पास ज़्यादा जमीन हो ना उसके साथ कोई फालतू आंट नहीं होता, ऐसा एक बीघे बेच देते घर ऊपर बात करो बात है।
क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑफ बायोडाइजेस्टिविटी, वैल्यू ऑफ बायोडाइजेस्टिविटी लिखो बगीचे लगाना, थोड़ी थोड़ी समझ पैदा करेगी। मेंस को तो काम आने का नहीं, लेकिन मेंस में क्लाइम लिख सकते हैं कि जैव विविधता का सामाजिक मूल्य भी है। बगीचे लगाना कोमो, मछली पकड़ना कोमो, पशुपालन इसके बहुत सारी भैंस, कृषि आदि क्रियाकलाप, कृषि आदि क्रियाकलाप मनुष्य के लिए सामाजिक महत्व के, कृषि आदि क्रियाकलाप मनुष्य के लिए सामाजिक महत्व के, कृषि आदि क्रियाकलाप मनुष्य के लिए सामाजिक महत्व के। ठीक, जैसे उदाहरण कैसे लेंगे, उदाहरण के लिए टेक्नोलॉजी जैसे हाथियों का स्वामी प्रतिष्ठा का प्रतीक है, जो हाथियों का स्वामी है ना ऐसा मानने से प्रतिष्ठा हो, हाथियों का स्वामी प्रतिष्ठा का प्रतीक, जैसे हाथियों का स्वामी प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इस पे एक सवाल आ रहा है सामाजिक मूल्य, मैंने एक पीटी में सवाल आ रहा था सामाजिक मूल्य का, क्या लिखा सामाजिक, हाथियों का स्वामी प्रतिष्ठा का प्रतीक, जबकि अत्यधिक कृषि होना भी, जबकि अत्यधिक कृषि होना भी समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक हो सकता है। ये तो बात बताई मैंने, इससे ज्यादा कृषि हो समाज में बहुत ज्यादा बढ़िया देगा, जबकि अत्यधिक कृषि होना भी, अत्यधिक कृषि होना भी समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक हो सकता है, जबकि अत्यधिक कृषि होना भी समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक हो सकता है। दूसरा है नैतिक मूल्य, जैविकता का नैतिक मूल्य, दूसरा नंबर दो नैतिक मूल्य। मुझे तो बताया था कि भारत के अंदर कौन कह रहा है, भारत के अंदर कह रहा है, पहचान ही नहीं पाया कुछ नहीं। देखो कुछ लोग ना जो जैव विविधता के अंदर पौधों की प्रजाति पाई जाती है या जीवों की प्रजाति पाई जाती है जैव विविधता के अंदर, कुछ लोग ना उनसे आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। प्लीज लिसन मी, हम कह रहे भाई जो जैव विविधता हो, जैव विविधता हो सकती है किसके लिए, आर्थिक लाभ प्रदान करती है। मान लो पेड़ काट कर अपना घर चलाता हो, या पशुओं को बेच कर या जानवरों को बेच बेच कर अपना घर चलाता हो, आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ लोग ना हमारे जैसे लोग जिन्हें मतलब नहीं है लेकिन उसके लिए बचाने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज है, नॉलेज है तो संदेशों को हमसे बढ़ावा देंगे। किस आधार पर नैतिक आधार पर,
तो पृथ्वी पर पृथ्वी बना इतने सारे जीव होते हैं, इतने सारे जीव होने के बावजूद भी मनुष्य एकमात्र बुद्धिजीवी प्राणी, ठीक। इस बुद्धिजीवी प्राणी होने के नाते उसका ना नैतिकता के आधार पर कर्तव्य बनता कि वो ना पृथ्वी के अंदर जितने भी संसाधन मौजूद है और जिनका अतिदोहन हो रहा है उन नैतिकता के आधार को बचा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा कर रखा जा सके, नैतिकता के आधार। वही बात है, अभी थोड़ा ही है कि बिल्कुल चार बाग की तरह बन जाओ, लोकायत दर्शन की तरह कि जो है बस मेरे पास आज ही आज कल आज ही आता पूरा तो सब खा लो, सारा पानी आज ही खत्म कर दो, सारे पेड़ पौधे आज ही खत्म कर दो। वही बात है कि ऐसा नहीं करना बिल्कुल, नैतिकता के आधार पर हमें ये भी सोचना होगा कि हमें ना उस आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा ताकि ये नहीं इन संसाधनों को संस्थान करा जा सके, इन्हें आगे बढ़ाया जा सके, इस समय नैतिकता रहती है। ऐसे मूल्य को ना जे भी वित्त जो इस तरीके से बताते हैं तो इन्हें नैतिक मूल्य कहते हैं, जे विविधता के नैतिक मूल्य। ऐसा समझ लो कुछ जे विविधता को संरक्षित करना चाहिए, नैतिक मूल्य भी सामने बढ़ जाते हैं। जितने पर्यावरण नीति काम कर रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा नाम सुना, जिन्हें टेरी टेरी बांध को बचाने के लिए सी बांध को आंदोलन करा था, टेरी बांध बनाना नहीं चाहिए बिल्कुल, उसने क्या था उसका क्या हित था, वो तो बहुत बड़ा विशेषज्ञ था, वो तो प्रोफेसर था, अच्छी खासी 1,00,000 रुपये की सैलरी था, मजा मारता, नैतिकता के आधार पर सपोर्ट करते हो तुम यहाँ एम्बल विलेज से, वो नैतिकता के आधार पर ना उसने वही बात किया, टीरी आंदोलन का जो टीरी बांध था उसका उसके लिए आंदोलन रहा था, उसको विरोध रहा था नैतिकता के आधार। बात सुनना ही बात है, ठीक। जो अमृता देवी नाम सुना तुमने, जो चिपको आंदोलन से संबंधित थी, उसे क्या लेना देना दुनिया तारी को, वो महिला मुक्ति में इसी मदद रहता उसके नैतिकता के आधार पर। अगर वह उसी पेड़ का पेड़ के सामने आना चिपकती ना, अगर अपनी प्राण प्राण की आहुति ना देती तो आज ये कई सारे पेड़ कट जाते, अभी तो 10-10 लाख हेक्टेयर पेड़ ही कटे, 20 लाख हो जाते हैं चीज, समझ गए। इसके आधार पर तुम्हें जीविता का नैतिक जीविता का नैतिक मूल्य है नहीं है, कुछ लोग जीविता को इसलिए भी संरक्षित करते हैं, नैतिकता के आधार पर संरक्षित करते हैं। सही बात है, जरूरी नहीं है तब आर्थिक लाभ के लिए पर आप जीविता को संरक्षण देते हो, समझ रहे हैं बात, ठीक। कुछ ये बात को दिमाग से बाहर निकाल दो, सारे ही लोग बुरे होते हैं, वास्तव में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, इस बात को क्या कर लो, देव ने तो बात कर लिया, बहुत अच्छा है देखो, कई लोग अपने आर्थिक लाभों के लिए, कई लोग अपने आर्थिक लाभों के लिए प्रजाति का उपयोग करते हैं, कई लोग अपने आर्थिक लाभों के लिए प्रजातियों का उपयोग करते हैं, जबकि कई अन्य उन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, यह सब हमारे समाज में नैतिक मूल्यों के कारण ही संभव है, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव होने के कारण मनुष्य पृथ्वी का सबसे इस पॉइंट को तो मैं एथिक्स में लिख सको एनवायरमेंट एथिक्स जिसे बोलते हैं, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव होने के नाते
मनुष्य इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। यदि कुल्य समझ में नहीं चेकिता कौन सा मूल्य था? एक सुंदरी मूल्य। अरे भाई जेब देता हूँ, पेड़ पौधे आगे तो तुम कलीम बनाओगे, है ना? कलीम बनाते हैं पेड़ पौधे का, चंदन का लेप, तुलसी का लेप, फिर सुंदर हो जाऊँ चला जाएगा, जो भी होगा। एक तो मैं सुबह में बिस्कुट से रख कर रखा है, अरे बिस्कुट से रखा ना मैं, अभी इनको चार लोग लीपा पोती करते जाए, बिस्कुट ही होगा मैं, खीरे हो, मैंने जब बिस्कुट रख कर रखा है उनको मैं चारों तरफ मैं करता हूँ। जितना मेकअप कर रहे हैं सारा सौंदर्य का सामान हो, फेस वॉश हो गया नीम का बनाया था, अब वो पेड़ पौधा नहीं है तो जैव विविधता के अंदर ही, तो जैव विविधता। और दूसरा क्या, अपने घरों में जंतुओं की मोर फाड़ के लगा दिया, अपना घर सजा लिया, ऐसा समझ उनके जो पंख है मोर के पंख अपने घरों में लगाए, अपनी किताब के अंदर भी रख दिए। तो सौंदर्य के कारण ना ये सौंदर्य मूल्य लिया जैव विविधता, जैव विविधता हमारे यहाँ पर प्रकृति को सुंदरी बनाती है, ये सौंदर्य मूल्य नहीं होगा। सौंदर्यवादी मूल्य कोई लेडी होना, सौंदर्यवादी मूल्य, सौंदर्यवादी सौंदर्यवादी दो शब्द लिखो ना, कौन सा सही है सौंदर्यवादी, कौन सा सही है? सौंदर्यवादी दो शब्द लिखे, सौंदर्यवादी कौन सा शब्द सही? दोनों सही, कोई वाला सही, ऐसे बच्चे समझेंगे बहुत नजदीकी शब्द है। सौंदर्यवादी मूल्य ठीक है, सौंदर्यवादी मूल्य देखो इसके अंदर प्रकृति में विभिन्न प्रकार की प्रजाति मौजूद है, प्रकृति में विभिन्न प्रकार की प्रजाति मौजूद है, इनमें से कुछ बहुत सुंदर है, इनमें से कुछ बहुत सुंदर है, कुछ अद्वितीय है, यूनिक है, कुछ अद्वितीय है, कुछ बहुत सुंदर है, कुछ अद्वितीय है, इनकी यही अद्वितीयता, इनकी यही अद्वितीयता, इनकी यही यूनिक हो नहीं चला ऊपर वाला सही है, और बताओ कौन सा सही है? वो सब लिखे बिजली फोड़ोगे ना सौंदर्य मूल्य प्रदान करती है, इन्हें सौंदर्य मूल्य प्रदान करती है, इनकी यही अद्वितीयता इन्हें सौंदर्य मूल्य प्रदान करती है, यूनिक है यार। जैसे मोर एवं तितली के पंख, जैसे मोर एवं तितली के पंख कोमल है, गुलाब और कमल के फूल
मोर एवं तितली का पंख, गुलाब और कमल के फूल। कितने मूल्य समझ लिया हमने? एक तो हमने समझ लिया सामाजिक मूल्य भी उनका, इनका नैतिक मूल्य भी हो, एक इनका सौंदर्य मूल्य भी हो, होता नहीं ऐसा? मुझे एक बात बताओ, जो मैंने समझा है जैविकता का, जैविकता का जो मूल्य हो, इसका मैं एक लाइन बना सकूं नहीं मेंस के लिए? तो क्या लाइन बनाऊंगा? जैविकता के नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य और दूसरे लड़का का लिखा है मैंने सौंदर्यवान मूल्य होते हैं, ये लाइन में तो बहुत बड़ा लाइन, बड़ी गजब की लाइन, वो तो लिखा है। चलो एक एक मूल्य उठ लेते, धार्मिक मूल्य दिया, लिखो तुलसी, तुलसी को वहां पीपल को वहां चंदन और आंवला यूज नहीं करते धर्म में, देखो धर्म यूज नहीं करते, आंवला भी यूज कर पूजा हो। तुलसी, पीपल, चंदन और आंवला जैसे पौधे इनका औषधीय महत्व के साथ साथ आध्यात्मिक महत्व भी है, इनका औषधीय महत्व दवाई के साथ साथ ना इनका धार्मिक महत्व भी, इनका औषधीय महत्व के साथ साथ धार्मिक महत्व भी है। सारे वैल्यू समझ में आगे? सामाजिक मूल्य पर सवाल आ रखा है, इसको स्टार लगा के ऐसा लिख लो सामाजिक मूल्य, एक बार वो सवाल आएगा चेक कर लेकर जाए उनको भेजे सवाल को देख। जब उसको पूछा ना सामाजिक मूल्य का सवाल पूछ रहा है ना, इसमें किसी मूल्य का सवाल पूछ सकता रहा हूँ, तो मैंने सारे पढ़ा दिए। एक और मूल्य लगा राष्ट्रीय मूल्य, जैविकता का राष्ट्रीय मूल्य क्या है, उसमें कैसे पहचाने राष्ट्रीय मूल्य पता कैसे? हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर भी तो जैविकता के अंदर ही है और राष्ट्र को प्रदर्शित कर रहा है। हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। राष्ट्रीय पशु हमारा बाघ ही तो, लेकिन हमें है पशु जानवर लेकिन जैविकता के अंदर आओ, लेकिन हमारे देश को प्रदर्शित कर रहा है। समझो बताओ, हमारी जो राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु विरासत, विरासत पशु कौन था? हमारा हाथी विरासत पशु। आया समझो, पूर्वज और पूर्वज कौन? अब हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? कमल। आया समझो, तो इसकी पार्टी की जैविक राष्ट्रीय प्रदर्शित करो राष्ट्रीय विविधता जहाँ जैविकता का महत्व लिखना बताना पड़ जाता है। जैविकता क्या महत्व है? जैविकता ना, जैविकता विभिन्न प्रकार के मूल्यों को प्रदर्शित करती है, जैसे कौन कौन से मूल्य बताए मैंने, सौंदर्यवान मूल्य, सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, राष्ट्रीय मूल्य। अब उसको समझ जाता तकड़ा खिलाड़ी तकड़े तरह लिखना हड़ी हड़ी तो लिखो ऐसा, हड़ी हड़ी को मैं लाइन में सजा दिया समझ गए? ऐसा बेटा तीन तीन का तीन 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 का तीन का उठा कर ना घोसला बनाना पड़ा, सही बात है। तब जाकर साल भर चिड़िया उसके घोसले में बनाई, उसके बच्चे भी उसके अंदर ही रहेंगे, सही बात है। लिखो राष्ट्रीय मूल्य, हेडिंग बनाओ राष्ट्रीय मूल्य, नेशनल वैल्यू,
क्या लिखा भैया? लास्ट मूल्य, लास्ट वाले, लास्ट ही वाले, क्या लिखा? लास्ट इसमें लिखो प्रजातियां जो राष्ट्रीय महत्व की, प्रजाति मत को मान लो, प्रजातियां जो राष्ट्रीय महत्व की, प्रजातियां जो राष्ट्रीय महत्व की, जैसे मोर का नाम सुना है? मोर, मोर का नाम सुना है? उसके बाद दो दो से इनको रंग लगाओ, दंग से लगाओ, इस तरह के डबल सेमीकोलन लगाओ, सेमीकोलन लगाओ, हलंत विसर्ग लगा दिए। मोर मोर क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, इसके समझो कि राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पक्षी लिख दिया। कमल फिर इस तरह एक सेमीकोलन लगाओ, कमल क्या हमारा राष्ट्रीय पुष्प नहीं है, इसे समझे कि राष्ट्रीय पुष्प कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प। कभी यूपीएससी के में तो राष्ट्रीय पुष्प का नाम नहीं पता, तो बहुत कमी वाली बात है ना। और तो पता लग चुका है, इसे तो कहा लिखोगे मैं, सही बात है। इसे ना कहा ना कि हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, ये हमारा राष्ट्रीय पशु, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी, तुम उसको जाना, तुम यूपीएससी वाले, तुम हमारे नेशनल लेवल पे उसको करते हैं, हमारी बात में अंतर होना चाहिए। ये तो बैठे जी के वाले राष्ट्रीय रा नहीं, ये हमारे राष्ट्रीय महत्व के विषय, ये हमारे राष्ट्र को प्रदर्शित करते हैं, ये हमारे नेशनल वैल्यू, ऐसे बताओ ये हम करूँ कैसे? उसको माइंड ब्रॉड हो, उसको सोचेगा जो बड़ा कैनवास खींचो सोचने के लिए, सही बात है। क्योंकि वो कोई बचा कैरेक्टर राष्ट्रीय पक्षी ना, ये अंतर तो होगा ना, एग्जाम में अंतर, बच्चे पढ़ने वाले में तो अंतर। उसके बाद देखो बाघ, बाघ फिर से लगाओ, ये क्या राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु लिखो सुबह। उसके बाद गंगा की डॉल्फिन, गंगा की डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय पशु, गंगा की डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय पशु। उसके बाद हाथी, मेरा साथी जो हम देखना पीछे मिथुन की, हाथी, हाथी लिख गया राष्ट्रीय विरासत पशु। अब आज की लास्ट लाइन लिख रहा हूँ, सुन लो, लास्ट लाइन आज की, ठीक, और तो सुनो क्या लाइन है। इंजीनियरिंग में काम पूरे विश्व की जैव विविधता, पूरे विश्व कितने सारे जीव हैं? 50 मिलियन। यूएनईपी के नाम की संस्था और जैव विविधता के बारे में जानकारी देती है, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी नाम तो सुना ही होगा, जिनकी पहचान है, जो पहचान चुके यूएनईपी का 8 मिलियन प्रजातियां पूरी दुनिया में, 8 मतलब 6.5 मिलियन प्रजातियां ना समुद्र पर रहती है, और उसमें ना लगभग 2.5 मिलियन प्रजातियां समुद्र के अंदर रहती है। अब तुमसे सवाल पूछेगा कि ज्यादा प्रजातियां समुद्र में रहवा स्थल पर रहवा, 8 मिलियन प्रजातियां पूरी दुनिया में यूएनईपी की रिपोर्ट में बताया गया, सही बात है। तो ज्यादा प्रजातियां स्थल पर रहवा या समुद्र में रहवा? स्थल पर ज्यादा प्रजातियां रहवा, 6.5 मिलियन, ये मैंने कह रहा यूएनईपी की रिपोर्ट है, सही बात है। तो वैश्विक स्तर पर जो जैव विविधता का वितरण है जिस प्रकार जा रहा है, यूएनईपी की रिपोर्ट के मुताबिक ना पूरी दुनिया में 8 मिलियन प्रजातियां, 8 मिलियन मतलब ना लगभग 6 मिलियन प्रजातियां, लगभग 6 मिलियन 6.5 मिलियन प्रजातियां तो रहती है स्थल स्थल पर, और 2.5 मिलियन प्रजातियां रहती है समुद्र के अंदर, सही बात है, ठीक। नोट एंड ओटी नोट।
यूएनईपी नोट लेना, यूएनईपी यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, हिंदी में इंग्लिश का नाम अगर संस्था करना पड़ेंगे मेरे, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम United Nations Environment Program. India के मुताबिक, के मुताबिक पूरी पृथ्वी पर 8 मिलियन प्रजातियों में से, पूरी पृथ्वी पर 8 मिलियन प्रजातियों में से 6.5 मिलियन प्रजातियां, 8.5 मिलियन प्रजातियों में, 8 मिलियन प्रजातियों में से 6.5 मिलियन प्रजातियां स्थल पर, 6.5 मिलियन प्रजातियां स्थल पर, और 2.5 मिलियन प्रजातियां, और 2.5 मिलियन प्रजातियां, और 2.5 मिलियन प्रजातियां 11 समुद्र में रहती है, समुद्र में रहती है, गहरे समुद्र में रहती है। अच्छा जो इन, जो मैंने तुम बताया था मेंस के लिए जो लाइन निकली थी, क्या लाइन लाइन निकली थी मेंस के लिए, ना मेंस एम ए आई एन एस, असली तो मेंस एक लाइन निकली थी, वो बताओ लिखा है कहाँ सर? जैव विविधता के महत्व में, जैव विविधता के लाभ में, जैव विविधता का लाभ क्या है, महत्व क्या है, जैव विविधता की रिलेवेंस क्या, प्रासंगिकता क्या, जैव विविधता की, तो जैव विविधता के बारे में पूछो, जैव विविधता का लाभ क्या है, तो हम ऐसे लिखेंगे जैव विविधता, जैव विविधता सामाजिक मूल्य, सौंदर्य वन मूल्य, कोमल नैतिक मूल्य, तो ये सारे नाम लिखो ना, जो लास्ट वाला नाम लिखो उससे पहले तथा लगाएंगे, तो वही बात है, सारे नाम लिखेंगे तो लिखेंगे कोमल लगा, तो सबसे लास्ट वाला नाम लिखेंगे उससे पहले लगाएंगे तथा, ये लास्ट वाला नाम लिखेंगे, तो एक बार पहले बोल लो जैव विविधता सामाजिक मूल्य उसके बाद नैतिक मूल्य उसके बाद सौंदर्य वन मूल्य उसके बाद धार्मिक मूल्य राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय महत्व के मूल्य मूल्य को प्रदर्शित करती है। एक सवाल दे रहा हूँ, मेंस का सवाल दे रहा हूँ आपसे, ठीक, वो छोटा ही सवाल है, लिख रहा हूँ, देखते कितना अच्छा लिखते हैं, ठीक है, विद इन टाइम में लिख, देखो जैव विविधता से क्या आशय है, सवाल है कि मेंस का 150 शब्द में पूरा होना है, 150 वर्ड, जैव विविधता से क्या आशय है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, वर्तमान समय में, वर्तमान समय में हमारी जैव विविधता के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, वर्तमान समय में हमारी जैव विविधता के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, सवाल सिर्फ चुनौती तक पूछा, संरक्षण की बात नहीं है, फालतू संरक्षण देने की जरूरत नहीं है, चुनौती पूछा जब पूछ रहे, मैंने लाइन दो लाइन लिख सकते, लास्ट में जाकर एक दो लाइन लिख सकते, सही बात है, सुझाव दे सकते, उपाय नहीं बताने दीजिए, सुझाव हो एक तो सुझाव हो एक उपाय, दोनों मंत्र बताओ क्या उपाय का मतलब है, मानना ही मानना, और सुझाव का मतलब है सिर्फ एडवाइस, मर्जी में नहीं, इच्छा, इतना संतर नहीं है,